हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, आज हमें चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम हमारा है इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, शॉर्ट में इसको हम ईसॉप भी कहते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आपको पहले थोड़ा सा मेरे साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आप जरा सुनना जरा ध्यान से, ये चैप्टर कहां से आया, क्या मतलब निकल के आया। देखो, अभी ना आप एक छोटे बच्चे हो, अभी छोटे बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हो, कल को ना आप बड़े बन जाओगे, किसी कंपनी में काम करने जाओगे। डिग्री कंप्लीट होने के बाद टाटा कंपनी में मान लो आपका पहला प्लेसमेंट हुआ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टाटा कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ, टाटा कंपनी ने कहा कि आओ जी हमारे पास काम करो, हम आपको 10 लाख का पैकेज देते हैं पर एनम, इतना पैकेज आपका होगा। आपका इसमें प्लेसमेंट हो गया बच्चे, फिर क्या हुआ कि टाटा कंपनी ने आपके साथ मेहनत करना शुरू किया। याद रखना, अभी आप नए नए बच्चे थे, नए नए डिग्री कंप्लीट किए थे। आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो आप इतने ट्रेंड नहीं होते कि आप उस कंपनी के जिम्मेदारी को आप पूरी तरीके से उठा ले। ये कंपनी आप पे बहुत सारे पैसे खर्च करते बच्चे, आपके ट्रेनिंग पे, आपको बैठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, कंपनी में मीटिंग्स कैसे अटेंड करने हैं, कैसे आपका वर्क करता है पूरा, कैसे मतलब सारी बातें आपको कंपनी सिखाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ट्रेंड करने में कंपनी के 6 से 8 महीने लगभग गुजर गए और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेंड हो गए। लेकिन मैं कैसे बताऊं आपकी आदत को, आप बहुत ही लालची हो मेरे बच्चे। हम सारे मनुष्य जो होते हैं ना, बहुत लालची होते हैं। हम किसी को सोचते नहीं कि उस बेचारे पे क्या गुजरेगा। आपने क्या किया कि जैसे ही आप इस कंपनी में ट्रेंड हो गए, अच्छे हो गए, एक दूसरी कंपनी ने, विप्रो ने क्या कहा, आपको अप्रोच किया। इसने कहा कि अरे आप छोड़ो इस कंपनी को, हमारी कंपनी में आओ, मैं आपको यहाँ पे 12 लाख का पैकेज आपको देने को तैयार हूं और हमारे कंपनी में काम करो। मेरे बच्चे, आपका लालच जो था ना, आपने क्या किया, उस लालच के अंदर में इस कंपनी को छोड़ दिया और इस कंपनी में काम करने चले गए। इसने भी सोचा कि बंदा ट्रेंड हो चुका है, अच्छा खासा इसमें ट्रेनिंग ले चुका है, हमें ट्रेनिंग कम देना पड़ेगा, लो इसको रख लेते हैं। पता इसमें क्या हुआ, आप तो कंपनी छोड़ के चले गए लेकिन आपने इसका दर्द नहीं देखा बच्चे। इसको कितना दुख हुआ होगा, 6 से 8 महीने उसने आपसे 1 रुपए का काम नहीं लिया, 1 रुपए काम नहीं लिया। उसने आपको सैलरी में बैठ के खिलाया और 6 से 8 महीना आप पे पता नहीं कितने सारे पैसे खर्च किए होंगे आपको ट्रेनिंग के ऊपर में, लेकिन आपने कहां ये सब कुछ देखा। आप तो सिर्फ 2 लाख रुपए के लालच में आपने इस कंपनी को छोड़ के आप दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लिए। लेकिन लालच आपका यही नहीं रुका बच्चे, लेकिन लालच यही नहीं रुका, आपने क्या किया, विप्रो कंपनी ने भी आपको ट्रेनिंग देना शुरू किया। ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने की इसने ट्रेनिंग दिया कि ठीक है जी अब काम करने लायक बना। लेकिन उसी टाइम पे एक और बड़ी कंपनी ने, मान लो रिलायंस ने आपको ऑफर दे दिया कि छोड़ो इस कंपनी को, हमारी कंपनी में आओ, हम आपको 15 लाख का पैकेज आपको देने को तैयार है। आप लालची इंसान इतने हो कि मैं क्या बताऊं, आपने विप्रो को भी छोड़ दिया, आपने इसका भी दुख दर्द देखने की कोशिश नहीं किया जिसने आपके साथ इतना मेहनत किया था, आप इस कंपनी में काम करने चले गए। और ये हमेशा होता है मेरे बच्चे, ये हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है कि हमारे अंदर जो लालच होती है ना, उस लालच के चलते हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। और इसके पीछे जो इन लोगों को दर्द हुआ होगा, वो दर्द आपने क्या किया, किसी का नहीं देखा, इस कंपनी का ना, इसका ना, इसका ना, आगे ऐसे करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, इससे क्या होगा, ये कंपनी परेशान हो जाएगी। जरा सोचो, बात स्वाभाविक सी है कि नहीं। अगर कोई कंपनी इतने सारे पैसे आप पे खर्च की लेकिन आप उस कंपनी को छोड़ के आगे चले गए तो फिर क्या होगा। मेरे बच्चे, ये इस कंपनी के पास चैलेंज है कि इसके कंपनी में जो लेबर टर्नओवर हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लेबर टर्नओवर, कि इस कंपनी को छोड़ के अगला फिर अगला। ये कंपनी इस लेबर टर्नओवर को रोकना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मेरे इंप्लॉय जिस पे हमने इतने सारे मेहनत किए वो हमारे कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जाए। अब वो कैसे रोकेगी मेरे बच्चे, कैसे रोकेगी, उसी का एक उपाय है आपका इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसी के अंदर में होता है। पता इसमें क्या होगा, जरा सुनना थोड़े सिंपल शब्दों में। ये जो कंपनी है ना, टाटा कंपनी, ये आपको कहेगी कि देखो मिस्टर ए, देखो मिस्टर ए, आप एक काम करो, हमारी कंपनी में आप 1, 2, 3 साल काम कर लो, 3 साल 4 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे दिमाग से बोल रहा हूं। टाटा कंपनी ने कहा कि देखो जी आप हमारे पास 3 साल काम कर लो, जो सैलरी आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, हर एक साल इंक्रीमेंट भी होगा, चिंता नहीं करना। लेकिन अगर आपने 3 साल मेरे पास काम कर लिया तो इसके बाद क्या होगा, मैं अपनी कंपनी के मान लो 10,000 शेयर्स जो है ना,
10,000 शेयर्स, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस आप 3 साल हमारे पास काम कर लो, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मैं बहुत ही लो प्राइस पे आपको दे दूंगा। मान लो शेयर आपका 600 रुपए का है तो मैं आपको 10 रुपए 12 रुपए इस तरीके से दे दूंगा, बहुत लो प्राइस पे। मेरे बच्चे जरा सुनना ध्यान से, अगर अगर आपको ये ऑफर मिले कि आप 3 साल तो काम कर लो, 3 साल काम करने के बाद हम आपको इतने शेयर्स मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। देखो इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं, यहां भी हमारा लालच ही काम करेगा मेरे बच्चे। हमें दिख रहा है कि अगर 3 साल काम कर लिया तो शेयर्स मिल गए। शेयर्स मिलने का मतलब क्या, हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, कंपनी के मालिक बन जाएंगे। आज हम इंप्लॉय थे, कल मालिक के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। इस लालच के अंदर मेरे बच्चे कई सारे कंपनी के इंप्लॉय रुक जाते हैं और काम करते हैं। ये लालच हमारे अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होगा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वही मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं। इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ये कैसे काम करेगा, ये जो आपको इंप्लॉय को जो लालच दिया गया इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, यही पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ चलेगा मेरे बच्चे। देखो इस चैप्टर में कई सारे वर्ड है, अच्छे वर्ड है, जिन वर्ड्स पे कमांड किए बगैर हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे, या इसकी जो टेक्निकलिटी है उसको समझने के कुछ वर्ड्स पे हमें कमांड करना पड़ेगा। मैं बिना समय बर्बाद किए बगैर मैं आपको सारे वर्ड पे मास्टरी कराऊंगा, थियोरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली। हम सारी बातों को ना एक डायग्राम से समझेंगे, एक क्वेश्चन के साथ। तो आओ जरा मैं इसके अंदर शुरू करूं। लिखो मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन, लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर वन, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, देखो क्या बता रहा है। कहता है यहां पे लिखेंगे मेरे साथ कि टाटा लिमिटेड, लिखेंगे यहां पे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और हां लिख दो ऊपर में, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं मेरे बच्चे, उसी प्रोसेस में आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। कहता है कि टाटा लिमिटेड अनाउंस्ड, अनाउंस्ड लिखेंगे यहां पर, टाटा लिमिटेड अनाउंस 20,000 शेयर्स एज ईसोप। ईसोप का मतलब क्या हो गया, इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। 20,000 शेयर्स एज ईसोप टू इट्स इंप्लॉयज, टू इट्स इंप्लॉयज। ये कहते हैं कि मेरे इंप्लॉयज आओ, मैं आपको 20,000 शेयर्स देने को तैयार हूं। कहते हैं कि टू इट्स इंप्लॉयज एट, या फिर टू इट्स इंप्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी डाले हम, मतलब फ्री में देने को तैयार है। कहता है यहां पे आगे पढ़ना कि ये जो आपका डेट, आपका जो अनाउंस किया गया, मैं डेट दे दू क्या, जरा डेट भी लिख देना यहां पे जी, ये स्टार्टिंग में मान लो, या ठीक है आगे ही कर देता हूं। 20,000 शेयर्स एज ईसोप टू इट्स एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन 1st January 2018, मान लो इस दिन पे ईसोप अनाउंस किया गया आपका। कहता है यहां पे वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड जो आपका होगा, वेस्टिंग पीरियड कहता है कि आपका यहाँ पे 3 इयर्स है। सर ये वेस्टिंग पीरियड क्या होता है अभी बताऊंगा, लिख दो पहले आप यहाँ पे, वेस्टिंग पीरियड कहता है कि 3 इयर्स। फिर कहता है कि आपका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर शेयर, पर शेयर कब जी, ऑन 1st January 2018। सारी बातें लिखो अभी समझाऊंगा। ये कहता है कि रुपीज मान लो आपका यहाँ पे 60 है मेरे बच्चे, 60। और कहता है कि इसकी जो फेस वैल्यू है ना, यानी कि जिस शेयर की मार्केट वैल्यू 60 है उसका फेस वैल्यू कहता है कि 10 रुपीज का है, मतलब एक्चुअल वैल्यू 10 है और 60 रुपीज का आपका ये है। कहता है कि यहाँ पे मेक एंट्रीज फॉर 3 इयर्स, मेक एंट्रीज फॉर 3 इयर्स एज्यूमिंग दैट कहता है कि ऑल ऑप्शंस वेयर एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज। सर इसका क्या मतलब निकल गया, सर कुछ भी नहीं समझ में आया। अरे कहां मैंने समझाया, आप लिखो तो पहले इस क्वेश्चन को। हमने कहा कि टाटा ने 20,000 शेयर्स एज ईसोप अनाउंस किया अपने एम्प्लॉय को, वो कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कहता है कि भैया मैं फ्री में आपको देने को तैयार हूं। आओ जरा मैं इसका मतलब समझाता हूं। एक काम करो, सॉल्यूशन के अंदर में आप मेरे साथ एक डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम सुनो मेरी बात, ध्यान सुना। इस डायग्राम में जरा बताओ कि आपका ये ऑप्शन कब अनाउंस किया गया है, सिर्फ 1st January 2018 को, मान लो ये डेट आपका है।
जिस दिन आपने ईसोप को अनाउंस किया मेरे बच्चे, ईसोप यानी कि इम्प्लॉय को कहा कि आप आओ हमारे पास काम करो, ये वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपको जो हमारे पास काम करना है वो 1, 2 और 3 मेरे पास काम करना है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है बच्चे जितने टाइम पीरियड आपको हमारे पास काम करना होगा, अगर इतने समय आपने हमारे पास काम कर लिया तो ये शेयर सम आपको देने को तैयार है। जरा बताओ 3 साल कब खत्म होगा? पहला खत्म हुआ 31 दिसंबर आपका 2018 को, सेकेंड ईयर कहता है कि 31 दिसंबर 2019 को, और थर्ड ईयर आपका खत्म हुआ 31 दिसंबर 2020 को। पर बच्चे वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है ये जितने समय आपने मिनिमम हमारे पास काम करना है इन शेयर्स को लेने के लिए, हम इसी को कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। मैं शब्दों को आपको समझाऊंगा ध्यान से। देखो ये क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है जिस पीरियड में आपको हमारे पास एटलीस्ट काम करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, जरा बताओ ईसोप हमने यहाँ पे अनाउंस कितना किया है? सर 20,000 शेयर्स का। हमने कहा कि 20,000 शेयर्स हम आपको देंगे आप अगर हमारे पास 3 साल काम कर लोगे तो। ठीक है, जरा बताओ इस दिन पे शेयर का जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो आपको बता रहा है वो कितने का बता रहा है? सर 60 रुपीज। मेरे बच्चे मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि अगर टाटा लिमिटेड आज उन शेयर्स को इम्प्लॉय को देने के बजाय अगर उसको मार्केट में सेल करती है, मार्केट में, तो वो किस रेट से मार्केट में बिकेगा? वो कहता है कि 60 आपका। अच्छा एक मिनट जरा क्वेश्चन देख के बताओ कि जो शेयर्स आज 60 रुपीज का है, मैं आज से 3 साल के बाद इम्प्लॉय को किस रेट से देने को तैयार हूं? सर कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे बच्चे जिस रेट पे मैं देने को तैयार होता हूं ना, हम उसे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे इम्प्लॉई ये शेयर हमसे परचेज कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज प्राइस होता है मेरे बच्चे वो कम से कम क्या होगा? नील होगा, फ्री में दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा क्वेश्चन बताएगा, वो 60 रुपए जो आपका मार्केट प्राइस है ये हम अपने इम्प्लॉय को किस रेट पे देना चाहते हैं उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। यहां हमारे इस एग्जांपल में एक्सरसाइज प्राइस क्या बता रहा आपको? नील बता रहा है। लिख दो यहां पे नील आपका यहां पे, ठीक है ना। अब देखो मुझे इसकी एंट्रीज करनी है, लेकिन एंट्रीज करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हमें एंट्री, क्यों इसकी अकाउंटिंग करना पड़ रहा है। जरा सुनो ध्यान से, अब लिखना बंद करेंगे, आप लिखना बंद करो, 2 मिनट के मेरी बात सुन लो, मैं कुछ समझा रहा हूं यहां पे, आपको समझ में आ जाएगा फिर हम एंट्री यहां पे शुरू कर लेंगे। लिखना बंद करें आप। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपनी बात छोड़ता हूं, मैं टाटा की ही बात करता हूं। टाटा अपना बना रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो टाटा ने क्या किया, मान लो एक साल में यहां पे 60 लाख का सेल किया, जो गुड्स उसने बेचे हैं वो मान लो आपके 60 लाख के हैं जो गुड्स उसने बेचे मार्केट बेचे। इस 60 लाख पे बहुत सारे उसने खर्च किया, उसने रेंट पे किया, उसने कमीशन पे किया, उसने एडवर्टीजमेंट कराए, उसने सैलरी भी पे किया इम्प्लॉयज को रेंट बहुत सारे, मान लो सैलरी पे किया उसने 2 लाख, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे दिमाग से लेके चल रहा हूं। तो हमने टैक्स पढ़ा हुआ है या फिर टैक्स आप पढ़ेंगे कि जब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी को हम टैक्स पे करने जाते हैं, एक बिजनेसमैन की बात करता हूं, तो हम कहते हैं कि भैया सेल्स में से जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं वो सारे खर्चे माइनस कर लो, माइनस करके जो प्रॉफिट आपका बचेगा हम इस पे टैक्स पे करने की बात करते हैं। ये होता है बच्चे, आप जानते इस बात को कि जितने भी हमारे इनकम है उनमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, वही तो हमने कमाया इस पे टैक्स पे करो। बात यहां पे वो ये उठी कि यार जितने सारे एक्सपेंसेस है सब माइनस करो। देखो हमने सैलरी भी माइनस किया, सैलरी का मतलब क्या, वो जो इम्प्लॉई हमारे पास काम कर रहे ना बच्चे, उनको पर एनम जो मैं सैलरी पे कर रहा हूं वो हमने माइनस कराया। फिर यहां पे एक सवाल उठा, मैंने मतलब टाटा कंपनी ने, किससे? इनकम टैक्स अथॉरिटी से। कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी भैया आप कहते हो कि सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो, ठीक है माइनस कर रहे हैं, लेकिन जरा बताओ कि सिर्फ यही खर्चे थोड़े हो रहे हैं, ये जो मैं इम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करने के लिए 3 साल उनको शेयर्स जो दे रहे हैं फ्री में आपका, ये भी तो मेरे खर्चे हो रहे हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने पूछ दिया ये कैसे खर्च हो रहे हैं। हमने समझाया कि अरे ये 20,000 शेयर्स जो है 60 रुपीज वाले, अगर मैं 3 साल के बाद इंप्लॉय को फ्री में देने के बजाय अगर मैं इसको आज बेच देता हूं तो 20,000 x 60 यानी कि 12 लाख रुपीज हमारे पास आएगा।
ये 12 लाख रुपीज हमारे पास आएगा, जो 12 लाख बेचकर हमारे पास आएगा, हम वो बेचने के बजाय अपने इंप्लॉय को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रिटेन करने के लिए, तो ये भी तो हमें लॉस हुआ, ये भी तो हमारे खर्चे हैं, इसको भी तो अलाउ करना चाहिए। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि बात तो जेन्युइन है जी, जो 12 लाख रुपीज आपका यहां पे बेचकर आपको मिलते हैं पैसे, वो आपने पैसे लेने के बजाय इंप्लॉय को फ्री में दे रहे हो, तो ये भी तो इंप्लॉय को रिटेन करने का ही खर्च है। जैसे सैलरी हमें पे करना पड़ता है इंप्लॉय को रिटेन करने के लिए, उस तरीके से ये भी तो खर्च हो रहा है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ठीक है जी, आप एक काम करो, इसको भी आप खर्च के रूप में दिखा दो आप इसको भी खर्च के रूप में, लेकिन हाँ, ये जो आपको खर्च हो रहा है, ये जो आपको खर्च, जो आप 12 लाख की बात कर रहे हो, क्योंकि इस खर्च से आपको 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो इस एक्सपेंस को, इस खर्च को आप 3 साल में डिवाइड कर दो, और हर एक साल आप क्या करो, कुछ अमाउंट प्रॉफिट लॉस में दिखाओ। मेरे बच्चे, वो कैसे डिवाइड होगा, वो प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखाया जाएगा, इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका टिका हुआ है। बहुत सिंपल चैप्टर, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं कसम से झूठ नहीं बोलता बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आज की क्लास में कि इससे सिंपल चैप्टर दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं यहां पे कैसे काम करेगा। पहले आप चैप्टर का मीनिंग ध्यान से समझना, मैं चैप्टर क्या कर रहे हैं कि आज जो हमने इंप्लॉय को कमिट किया कि भैया 3 साल काम कर लो, 2 साल काम कर लो, 4 साल काम कर लो, इतने समय के बाद हम शेयर्स आपको फ्री या कम रेट में देंगे, इससे कंपनी को जो लॉस होने वाला है मेरे बच्चे, वो भी इंप्लॉयज को रिटेन करने का कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये खर्चे है, हमें प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। वो जो इंप्लॉयज रिटर्न करने के बच्चे, जो खर्चे हमें होने वाले 3 साल के अंदर में, उसकी कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, कैसे दिखाया जाएगा, वो सारी बातें इस चैप्टर में आपको स्टडी कराएंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आओ जरा मैं दिखाऊं यहाँ पे क्या करना, आपने ध्यान सुनना कि यहाँ पे कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, जरा सुनना ध्यान से, मैं जरा बताऊ कि अगर मैं पूछूं कि टोटल लॉस टू कंपनी जो आपका हो रहा है, साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ यहां पे, टोटल लॉस टू कंपनी ड्यू टू ईसोप, ये जो ईसोप जो कंपनी ने एम्प्लॉय को देने की बात कही, जरा बताओ इससे लॉस कितना होगा। तो सुनो ना, जरा बताओ कितने शेयर्स देने की हम बात कर रहे हैं, सर 20,000। अरे 20,000 शेयर्स कंपनी एम्प्लॉय को देने को तैयार है। एक बात बताओ कि एक शेयर का आज मार्केट प्राइस कितना है, सर 60 रुपीज, यानी कि अगर कंपनी इस शेयर को मार्केट में बेच देती है तो एक शेयर बेच के मेरे बच्चे उसको 60 रुपीज का अमाउंट मिलेगा। लेकिन जरा बताओ कि 60 का जो शेयर है वो शेयर इंप्लॉय को वो किस रेट से दे रही है, सर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सोचो ना, 60 का सामान अगर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है, तो पर शेयर कंपनी को जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चे 60 रुपीज का हो रहा है, और अगर 20,000 ईसोप यानी कि शेयर्स देने की बात कर रहे हैं, तो टोटल लॉस जो कंपनी को हो रहा है वो 12 लाख का अमाउंट आपका हो रहा है, 12 लाख का अमाउंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, सर? हाँ सर, हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 12 लाख का कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या ये पूरा का पूरा लॉस कंपनी एक साल में ही दिखा दे क्या? नहीं सर, नहीं, ये 12 लाख का जो लॉस कंपनी को हो रहा है, इससे 3 साल तक इंप्लॉय काम करेंगे, तो इस एक्सपेंस को हमें 3 इयर्स में सर डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब लिखो यहाँ पे, लॉस टू बी शोन या टू बी रिकॉर्डेड, लिखो लॉस टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आपका होगा, सर ये 12 लाख का जो अमाउंट आपका है, अगर हम इसको 3 इयर से डिवाइड कर देते हैं, तो सर पर ईयर जो लॉस होगा ना, वो 4 लाख का अमाउंट आपका होगा, यानी कि जो 12 लाख का अमाउंट है, क्योंकि इससे 3 साल तक इंप्लॉय से बेनिफिट लेंगे आप इस खर्च को 3 साल में डिवाइड कर दें, यानी कि हर एक साल प्रॉफिट लॉस में 4 लाख का अमाउंट। आओ ना, मैं जल्दी से आपको एंट्रीज दिखाऊं, लिखो मेरे साथ यहाँ पे इनकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, एंट्रीज क्या बनेगी, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इस डायग्राम पे आने वाली एंट्रीज को बताने वाला हूं। पहली बात, आप लिखो 1 जनवरी 2018 को, यहां की बात कर रहा हूं। एक बात बताओ ना, आज आपने ईसोप को अनाउंस किया है, आज आपने ईसोप को अनाउंस किया, कहा आपने इंप्लॉय को कि आप हमारे पास 3 साल काम कर लो, हम आपको शेयर्स दे देंगे। मेरे बच्चे, आज हमने अनाउंस किया, दिस इज डेट ऑफ अनाउंसिंग, हमने शेयर्स दिया नहीं है,
तो आज हमें कोई भी एंट्री यहां पे पास नहीं करना, लिखो यहां पे नो एंट्री। हमने आज कहां कोई इसोप दिया आपको, आज तो हमने कहा सिर्फ कि 3 साल काम कर लो, तो उस दिन मेरे बच्चे हमें कोई एंट्री पास नहीं करना होगा। फिर समय आगे चला, चलते 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 एक साल गुजर गया। जब साल का एंड आया ना, लिखो यहां पे 31 दिसंबर 2018 को, ये वो दिन है जिस दिन हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। तो मेरे बच्चे हमें पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा और उस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। जरा सुनना, देखो मेरी एंट्री कैसे निकल के आएगी, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक्सपेंस, एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा यहां पे इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। आप जानते हो एक्सपेंस जब भी आपका रिकॉर्ड होता है तो एक्सपेंस का रिकॉर्ड करना डेबिट करते हैं, हमने डेबिट किया मेरे बच्चे। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये जो एक्सपेंस हुआ, क्या हमने आज पे कर दिया, क्या हमने शेयर्स आज दे दिए? नहीं सर, नहीं, आज नहीं दिए। ये हमारे ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा जो आज से 3 साल के बाद हमें देना है। तो मेरे बच्चे आज मैं क्या करूंगा, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू, आप लिखो यहां पे इंप्लॉयज, इंप्लॉयज, इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग है, आज हमने नहीं दिया, हमने कहा कि आज से 3 साल के बाद आपको देंगे। जरा बताओ एक्सपेंस इस साल कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? सर 4 लाख का अमाउंट। तो लिखो ना यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया। लिखो नरेशन यहाँ पे बीइंग, बीइंग एक्सपेंसेज रिकॉर्डेड। हमने क्या किया, जो हमारे एक्सपेंसेज हैं हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि ठीक है जी, हम पहले साल में इतना एक्सपेंस दिखा है। और आप जानते हैं मेरे बच्चे कि इस साल के जितने भी एक्सपेंसेज होंगे वो इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री दूसरी जो बनेगी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करके और इस एक्सपेंस को यहां पे ट्रांसफर कीजिए, तो टू आपका यहां पे आ जाएगा इंप्लॉयज, इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने यहां पे एंट्री कंप्लीट किया एक्सपेंस अकाउंट। जरा बताओ ये एंट्री कितने से आपका हो गया? सर 4 लाख। पता इसका मतलब क्या निकल के आया? अल्टीमेटली देखा जाए तो, हमने एक्सपेंसेज बुक कर दिया और एक्सपेंस साल के एंड में कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट लॉस में। ठीक वैसे ही जैसे आप रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो और साल के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हो मेरे बच्चे, वही काम क्या है यहां पे? लिख दो बीइंग, बीइंग एक्सपेंसेज ट्रांसफर टू, एक्सपेंसेज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, ध्यान देना आपने यहां पे एंट्री कंप्लीट किया। आओ ना देखो, पहला साल खत्म हो गया, फिर समय आगे चला, चलते चलते यहां पे दूसरा साल आया, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को आपको फिर से यही काम करना है। आपने क्या करना है, ये जो इंप्लॉयज एक्सपेंसेज बुक कीजिए, इंप्लॉयज कंपनसेशन, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड आपने डेबिट किया, एंड टू आप यहां बोलेंगे इंप्लॉयज, इंप्लॉयज स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सर आउटस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि अभी हमें शेयर्स देना है, मेरे बच्चे अभी दिया नहीं, तो आपने क्या किया 4 लाख की एंट्री यहां पर रिकॉर्ड की। अभी 3 साल तक सेम एक्सपेंस यहां किया जा रहा, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए कुछ इसमें हो नहीं रहा। 31 दिसंबर 2019 को आपने फिर से ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। साथ साथ लिखना, आपने साथ साथ लिखना है, टू आपने कहा इंप्लॉयज, इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहां पे एक्सपेंस अकाउंट। जरा बताओ ये अमाउंट कितना आपका निकल के आ गया? सर 4 लाख का अमाउंट। देखो पहला साल गुजर गया, दूसरे साल गुजर गए, अब मैं थर्ड ईयर में आता हूं 31 दिसंबर 2020 में। आपने क्या करना है, फिर से एंट्री लेकर आप आइए। तो इंप्लॉयज 3 साल ये काम करना था ना बच्चे, इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। एक्सपेंस अकाउंट आप डेबिट कीजिए 4 लाख का अमाउंट, और आपने इसको ट्रांसफर किया टू इंप्लॉयज। सर बहुत बड़ा नाम है, कोई बात नहीं, लिखो ना मैं आगे शॉर्ट करा दूंगा। इंप्लॉयज स्टॉक
ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जरा बताओ ये एंट्री आपका कितने से हो गया सर 4 लाख रुपीज का अमाउंट और फिर साल के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2020 को ही आपने इस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आपने डेबिट करना है और लिखो यहाँ पे टू इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। जरा बताओ ये जो एंट्री आपका वो कितने से पास हुआ सर 4 लाख 4 लाख। लो 3 साल मेरे बच्चे 3 साल गुजर गए और तीनों साल हमने क्या किया 4 लाख 4 लाख करके एक्सपेंसेज हमने बुक कर लिए। 4 4 4 12 लाख जो हमें लॉस हो रहा था इम्प्लॉय को रिटेन करने का उस लॉस को हमने बुक कर लिया। अब हमें पता क्या करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, मुझे क्या करना है मेरे बच्चे, आज ही हमें शेयर्स देना है इम्प्लॉय को। तो 31 दिसंबर 2020 को आपने क्या करना है, जरा नजर यहां डालना, एक बार आपको कुछ समझा रहा हूं, आप नहीं करना, जरा ये दोनों एंट्री का अल्टीमेट इम्पैक्ट देखो। अल्टीमेट इम्पैक्ट, हमने एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट हटा दिया है तो बच्चे अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, प्रॉफिट से पैसा निकल रहा है और ये लायबिलिटी के रूप में यानी कि इसके नाम से रिकॉर्ड हो रहा है ना बच्चे, हमें शेयर्स देना है। आज 3 साल गुजर गया, आज वो दिन आ गया जिस दिन हमें शेयर्स देना है। सिर्फ इतना बताओ कि क्या आज जो शेयर्स आप इम्प्लॉय को दे रहे हो, क्या आज 3 साल के बाद जो इम्प्लॉय को शेयर्स आप दे रहे हो, क्या उसे कोई अमाउंट चार्ज कर रहे हो, क्या कोई अमाउंट चार्ज कर रहे हो क्या? नहीं सर नहीं, आपने कहा तो था कि एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे नील है, हम कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, मैं अपनी जो लायबिलिटी है ना बच्चे ये इम्प्लॉयज को शेयर्स देने की, आज वो लायबिलिटी मैं खत्म कर रहा हूं। तो जो मैंने क्रेडिट किया था मैं उसको डेबिट करूंगा। इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, साथ साथ लिखिए स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो आपका है आप इसको डेबिट करें, आउटस्टैंडिंग अकाउंट आप इसको डेबिट करें और इसको डेबिट करके जरा बताओ कितना जी। तो सर डेबिट हो जाएगा 4 4 4 12 लाख का लायबिलिटी था, हमने उस पूरे 12 लाख को हटा दिया मेरे बच्चे। और इसको अब हमें शेयर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जरा बताओ कितने शेयर्स दे रहे हैं, हम कितने शेयर्स दे रहे हैं सर, शेयर्स हम दे रहे हैं 20,000। आप जानते हो ये बात, आप जानते हो बचपन से कि शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड होता है। पर बच्चे शेयर कैपिटल के आगे वी ऑलवेज रिकॉर्ड ओनली द फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्वेश्चन में 10 रुपए का बता रहा है। तो 20,000 × 10 2 लाख का अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा और 10 के ऊपर का जो अमाउंट होगा वो हम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। आप ये बात जानते हैं, आप ये जानते हैं। तो बताओ ना 20,000 × आपका 50 जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका सर 50 कैसे आया, क्योंकि मेरे बच्चे 60 में 10 फेस वैल्यू तो बाकी प्रीमियम माना जाएगा, ये अमाउंट कितना आपका हो गया 10 लाख का अमाउंट। लो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, लो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। और यही तो है मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट आपका इस सब का, कुछ है ही नहीं चैप्टर में पढ़ाने को, कुछ है भी नहीं। बताओ मैं क्या पढ़ाऊं, एक काम करता हूं, पढ़ाने को तो कुछ है नहीं, मैं कुछ नोट लिखा देता हूं आपको, लिखो यहां पे नोट, जहां पे एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, जहां पे एग्जामिनर आपको परेशान करेगा मेरे बच्चे आप वहां परेशान नहीं होना, मेरे इस नोट पे आप ध्यान देना, ये नोट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। जरा सुनो वो नोट क्या है, नोट नंबर 1। जरा देखो सुनना मेरी बात, नजर यहां डालो, जब हमने टोटल लॉस यहां पे निकाला था मेरे बच्चे, टोटल लॉस तो हमने कैसे किया था जी, जितने ईसोप अनाउंस किए गए वो लिया हमने, उसके बाद आज जो मार्केट प्राइस है ना इसमें से इसको माइनस करके हमने कीमत निकाली थी। लिखिए जरा यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, लिखना व्हाइल कैलकुलेटिंग लॉस टू कंपनी ड्यू टू ईसोप कॉमा लिखना मार्केट प्राइस ऑन डेट ऑफ अनाउंसिंग ईसोप इज कंपेयर्ड विथ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ईसोप
मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैंने बहुत बड़ा हीरा आपके हाथ में दिया है, आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे। जब आप लॉस टू कंपनी को निकालते हैं ईसॉप के चलते, तो मार्केट प्राइस ऑन डेट ऑफ अनाउंसिंग ईसॉप, मेरे बच्चे मार्केट प्राइस ऑन डेट ऑफ अनाउंसिंग, यानी कि ये रेलिवेंट होगा। पता कभी कभी क्या होगा, एग्जाम में मार्केट प्राइस यहां का यहां का यहां का बता देगा या यहां का बता देगा, वो कोई काम का नहीं मेरे बच्चे, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है जिस दिन आपने ईसॉप अनाउंस किया उस दिन आपके शेयर का जो मार्केट प्राइस होगा हम उसी के मुताबिक जो लॉस होगा हम उसको अलाउ करेंगे। अगर आगे प्राइस आपका मान लो शेयर का बढ़ जाता है या घट जाता है तो दोबारा आप खर्चे बुक नहीं करोगे, दोबारा खर्चे आप बाकी बुक नहीं करोगे। इसका मतलब क्या, नोट नंबर टू लिखे यहां पर, नोट नंबर टू, मार्केट प्राइस गिवन इन क्वेश्चन मार्केट प्राइस गिवन इन क्वेश्चन ऑन एनी अदर डेट किसी भी डेट पे ऑन एनी अदर डेट इज इरेलीवेंट या इज नॉट रेलिवेंट, मेरे बच्चे वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रहा है। इस बात को ध्यान रखना। आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ, और बताओ ना सर। नंबर थ्री लिखो यहाँ पे, मान लो कोई पूछ दे कि यार ये जो इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ये बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो लिखना यहाँ पे, मैं इसको शॉर्ट में ईसॉप कहूं तो आप परेशान ना होना, इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ईसॉप या फिर वो सेम मतलब निकल के आएगा। लिखना इज शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। मेरे बच्चे ये आपका जो शेयर होल्डर्स फंड उस हेडिंग के अंदर में आप दिखाते हैं, और ब्रैकेट में लिखना जो सब हेड होगा वो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस जो सब हेड होता है उसके अंदर में दिखाते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, आपने प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट अपने पास रखा मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट से निकाल के जो भी अपने पास रखा एक तरीके का रिजर्व होता है, हम इसे क्या करेंगे आपका शेयर होल्डर्स फंड में जो सब हेड रिजर्व सरप्लस होता है उस हेडिंग में यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, और भी कुछ बातें क्या सर? बहुत सारी बातें हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नोट अभी आएंगे, आप चिंता नहीं करना, मैं उनके पास भी आऊंगा, धीरे धीरे लिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अब इस लेवल को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जरा सुनो, जरा दिमाग से सोचो जो मैं बोल रहा हूं आपको। अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। अरे यहां पे हमने क्या किया, इंप्लॉई को बोला कि ठीक है जी 3 साल काम कर लो, हम आपको 20,000 शेयर्स दे देंगे। एक बात बताओ, क्या ये हमेशा होगा क्या कि जब आपने इंप्लॉय को लालच दिया तो इंप्लॉय आपके लालच में 3 साल तक काम करेगा, ये हमेशा होगा क्या? अरे नहीं सर, नहीं, हमेशा नहीं होगा। हम तो सर और भी लालची हैं। अगर मान लो किसी कंपनी ने कह दिया कि आप हमारी कंपनी में आओ, हम 20,000 नहीं, हम आपको 30,000 शेयर्स देने को तैयार है, या हम कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार है, मेरे बच्चे आप इस कंपनी को छोड़ दोगे इस कंपनी को, किसी और कंपनी में चले जाओगे काम करने के लिए। लेकिन आपके छोड़ने से दो लोग परेशान होने वाले हैं, एक तो ये कंपनी जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, छोड़ो ना हम इसकी बात नहीं करते हैं, इसमें परेशानी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम भी तो परेशान हो जाएंगे। अरे हम जो अकाउंटेंट होते हैं, जो इस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनको भी परेशानी क्रिएट होगी। वो परेशानी कैसे दूर होगी मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूं। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं, एक और एग्जांपल आपको लेके चलता हूं। इस बार हम थोड़ा ध्यान से यहां पे बातों को समझेंगे, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, अब लेके आ रहा हूं कि अगर मान लो हमने ईसॉप अनाउंस किया और इस प्रोसेस में बीच में कुछ इंप्लॉयज ने काम छोड़ दिया, तो फिर हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे खर्चे बुक किए जाएंगे, वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। आओ जरा लिखो मेरे साथ यहां पे एग्जांपल नंबर टू। और इस बार ना मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, बस मैं डायग्राम पे अपने एग्जांपल को बताऊंगा। आज मान लो ये 1 अप्रैल आपका 2017 है मेरे बच्चे, मैंने आज जो ईसॉप अनाउंस किया है ना, साथ साथ लिखिए, आप ही क्वेश्चन डायग्राम पे दिखाएंगे। हमने आज मान लो यहां पे कितना ले लूं मैं, 25,000 ईसॉप को अनाउंस किया। कहता है कि यहां पे जो मार्केट प्राइस आपका बता रहा है पर शेयर, वो मान लो कहता है कि रुपीज आपका यहां पे 50 है मेरे बच्चे, 50 है
कहता है कि फेस वैल्यू जो है ना शेयर का, फेस वैल्यू आपका, वो फेस वैल्यू रुपीज 10 है। याद रखना, अगर ना भी बताए ना फेस वैल्यू कितना है तो हम 10 रुपीज ही मांगते हैं, 10 रुपीज मानते हैं। मान लो कहता है कि यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस जो आपका है, फिर से चलो मैं नील लेता हूं, यानी कि हमने फ्री में इंप्लॉय को देने की बात कही। हाँ, हमने कहा कि आप हमारे पास 3 साल काम कर लो, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहला साल कब खत्म होगा? सर 31 मार्च 2018 को। ये कब खत्म होगा? तो 31 मार्च 2019 को। और ये रहा आपका 31 मार्च 2020। मेरे बच्चे, हमने कहा अपने इम्प्लॉय को सिर्फ 3 साल मेरे पास काम कर लो, हम आपको 25,000 शेयर्स देने को तैयार हैं, 50 वाले फ्री के रेट से आपका। सुनो मेरी बात, यहाँ पे 3 साल आपका, ऐसा हमने पहले बोला बच्चे। हाँ जरा बताओ, मैं भूल गया, इस 3 ईयर्स को इस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? सर आपने कहा था वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है वो मिनिमम टाइम पीरियड जितने समय के लिए आपको इस कंपनी में काम करना है, अगर आप ईसोप के द्वारा मिले हुए शेयर्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मैं कुछ ब्लू ब्लू अक्षरों में लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। कहता है कि यहां पे मान लो ये डेट आपका जो है, यहां पे ये कहता है कि आपका फर्स्ट, क्या ले लू मैं, फर्स्ट अक्टूबर कहता है कि 2017 को, मान लो इसमें से मेरे बच्चे आपका 4000 जो ऑप्शंस थे ना, 4000 ऑप्शंस वो आपके यहां पे कैंसिल्ड हो गए। सर ऑप्शंस क्यों कैंसिल हो जाएंगे? अरे वो इम्प्लॉय काम छोड़कर चला गया बदमाश। अरे वो इम्प्लॉय जिसको हमें 4000 शेयर्स देने थे, वो आदमी काम छोड़कर चला गया। जरा बताओ ना, अगर काम छोड़कर चला गया किसी और कंपनी में तो शेयर्स मैं किसको दूंगा। तो हमने क्या किया, ये 4000 ऑप्शंस जो थे आउट ऑफ 25 यहां पे कैंसिल किया, इनके अभी शेयर हमें नहीं देना। फिर समय आगे चला और यहां पे आया, यहां पे मान लो फिर कहता है इस साल में भी फर्स्ट सितंबर मान लो 2018 को, यहां पे फिर से आपके 5000 ऑप्शंस जो थे ना वो आपके कैंसिल्ड हो गए। ऑप्शंस कैंसिल्ड कैसे हो रहे हैं जी? क्योंकि वो इम्प्लॉय का, जिन इम्प्लॉय को हमें 5000 शेयर्स देने का हमने वादा किया था, वो वादा टूट गया मेरे बच्चे, वो आदमी काम छोड़कर चला गया, हमने उसको भी कैंसिल कर दिया, वो भी कैंसिल कर दिया आपका यहां पे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, या फिर काम करें क्या, इसे 2000 कर दो। क्यों, मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं। फिर समय आगे चला और यहां पे क्या हुआ, इस दिन पे मान लो यहां पे क्या हुआ जी, आपका फर्स्ट कौन सा नवंबर, फर्स्ट नवंबर 2019 को यहां पे क्या हुआ, जिनको हमें 1000 शेयर्स देना था वो भी काम छोड़ के चले गए, यानी कि इनको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब साल के एंड में आ गया, क्वेश्चन कहता है कि यहां पे रिमेनिंग ऑप्शंस जो है, लिखिए मेरे साथ पूरी बात, रिमेनिंग ऑप्शंस जो है वो आपके एक्सरसाइज्ड हो गए, यानी कि लोगों ने क्या किया, यहां पे आपके शेयर्स बाकी जो थे वो परचेज हो गए। जरा बताओ रिमेनिंग कितना रह गया? सर 25 में 421 हटा दो तो 7 अगर हटाओगे 25 में तो 18000 ऑप्शंस जो थे मेरे बच्चे, ऑप्शंस ये हमने क्या किया, इम्प्लॉयज को दे दिए, ये काम आपका पूरा हुआ। कहता बताओ अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? आप बिल्कुल पेशेंस वाइज मेरी बात को सुनो, आपको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं कसम खाता हूं, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना और बिल्कुल कूल दिमाग करते हुए इस बात को सुनो, बिल्कुल कूल दिमाग करते हुए, कहीं परेशान आपको नहीं होना। सुनो जरा क्या हुआ, सुनो मैं बताऊं क्या यहां पे हुआ। मैं पहले ना एंट्री को शुरू करने के पहले मैं यहां पे देखना चाहता हूं, लिखो यहां पे कि आपका जो लॉस हो रहा है, लॉस ड्यू टू ईसोप पर शेयर कितना हो रहा है मेरे बच्चे, पर शेयर। तो देखो ना जरा बताओ, इस लॉस को पता करने के लिए किस दिन का मार्केट प्राइस लूंगा? सर यहां का जिस दिन हमने अनाउंस किया, कितना बता रहा, 50। तो 50 रुपीज का जो अमाउंट था ना बच्चे, जरा बताओ कितने में हम दे रहे हैं, 0 के हिसाब से, यानी कि पर शेयर आपको 50 रुपीज का यहां पे लॉस हुआ है ना, पर शेयर क्या हुआ, 50 का लॉस हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम ईसोप अनाउंस कर रहे हैं इंप्लॉय को तो 50 रुपीज पर शेयर का कंपनी को लॉस हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुना, मैं एंट्री शुरू करता हूं। एक काम करो, यहां पे अभी हाफ पे जगह छोड़ दो, यहां पे हाफ पे जगह छोड़ दो, इस हाफ पेज में मैं वर्किंग कराऊंगा और हाफ पे जगह छोड़कर ना बच्चे इस साइड आप मेरे साथ जनरल एंट्रीज में आप आइए,
एंट्रीज में आपको दिखाता हूं डेट वाइज, जरा सुनो जरा सुनो, बताओ 1 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगा, आप बताओ 1 अप्रैल 2017 को क्या एंट्री बनेगा, तो सर नो एंट्री सर, यहां पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगा, जिस दिन हम इसको अनाउंस करते हैं उस दिन कोई एंट्री नहीं बनता, हम एंट्री कब करते हैं, साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2018। क्यों सर यहां भी कोई एंट्री नहीं बनेगा क्या, नहीं बच्चे, अरे आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड यहां पे करना है ना, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड यहां पे कीजिए, आपको प्रॉफिट लॉस यहां पे दिखाना है ना, तो यहां कोई एंट्री ना यहां, बस यहां पे आप आ जाओ 31 मार्च को। देखो मैं क्या करूंगा, एंट्री लिखो, एंट्री आपका हुआ इंप्लॉयज इंप्लॉयज कंपनसेशन कंपनसेशन इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का वरना हम डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहां पे टू इंप्लॉयज इंप्लॉयज स्टॉक स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो हमें शेयर्स देना है जी, हम उसके नाम से यहां पे खर्च रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट सवाल उठता है कि यार एक्सपेंसेज मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, मैं एक्सपेंसेज रिकॉर्ड कितना करूंगा, तो मेरे बच्चे आपने जगह यहां पे छोड़ा था, लिखो यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 1, लिखेंगे यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 1, देखो अमाउंट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये अमाउंट आपका अमाउंट टू रिकॉर्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2018। मेरे बच्चे देखो ये कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस कई सारे कैंसिल भी हुए हैं, सुनो सुनो देखो ये कैसे निकालते हैं, मैं इसका एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, फॉर्मूला जो हर एक साल अप्लाई किया जाएगा सर, वो क्या, देखो जिस दिन आप बात कर रहे हो ना, आप जरा चेक करना कि आपका यहां पे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस एग्जिस्टिंग ऑप्शंस का मतलब होता है जिस दिन मैं प्रॉफिट लॉस से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन एग्जिस्ट कितना कर रहा ऑप्शन आपका, मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जी, आपका लॉस पर शेयर, जो लॉस आपको पर शेयर हो रहा है, लॉस जो पर शेयर हो रहा है वो कैसे हमने निकाला जी, देखो ये निकाला मेरे बच्चे 50 आपका, तो जितने ऑप्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा है जिस दिन हम चार्ज कर रहे हैं इनटू लॉस पर शेयर डिवाइडेड बाय, जरा बताओ ये हमें कितने साल में राइट ऑफ करना होता है, जरा बताओ कितने साल में सर ये राइट ऑफ करना होता है, टोटल वेस्टिंग पीरियड के बीच में, जो टोटल वेस्टिंग पीरियड है मतलब ये जो आपको लॉस होगा मेरे बच्चे, ये जो लॉस आपको होगा जो टोटल आपका वेस्टिंग पीरियड है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 साल, तो 3 साल में आपको ये राइट ऑफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 3 साल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जी, टोटल टोटल लैप्स्ड, ध्यान से टोटल लैप्स वेस्टिंग पीरियड, जो वेस्टिंग पीरियड अभी तक लैप्स्ड हो चुका है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे बच्चे इसमें से माइनस कर दूंगा टोटल टोटल एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन प्रीवियस ईयर्स, सर समझ में नहीं आया सर अभी समझाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स आपका, देखो मेरे बच्चे जब भी आपने अमाउंट जो रिकॉर्ड करना है ना आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, हम इस फॉर्मूला से काम करेंगे, सर सर ये क्या है अभी समझाता हूं, एक काम करूं क्या, मैं थोड़ा सा काम और सिंपल कर देता हूं, थोड़े से काटूंगा, आप गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर, गुस्सा नहीं करना, मैं एक काम करता हूं इस नाम को यहां से हटा देता हूं, अब बस अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होगा वो कैसे, देखो 3 साल 1, 2 और 3 तीन साल, मैं पहले अमाउंट यहां पता कर लेता हूं फिर मैं उसको एंट्री में दिखा दूंगा, आप चिंता ना करो, लो पहले मैं यहां पे आपको 31 मार्च 2018 का दिखाता हूं, आज जिस दिन मैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा हूं ना बच्चे उस दिन ये कैसे अमाउंट निकलेगा, सुनो सुनो जरा सुनो मेरी बात, एक बात बताओ आज जो है 31 मार्च 2018 जरा बताओ एग्जिस्टिंग ऑप्शन कितने हैं, एग्जिस्टिंग सर देखो ना टोटल ईसॉप जो थे आपके वो आपके 25,000 थे, लेकिन सर 25,000 में 4,000 कैंसिल्ड हो गए हैं, तो सर जो यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो सिर्फ 21,000 है, 25 माइनस 4 कितना 21,000,
तो बच्चे हमने क्या क्या 21,000 लिखा ऑप्शंस, ऑप्शंस का मतलब क्या ईसोप की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ आपको लॉस पर शेयर कितना होने वाला है, सर 50 रुपीज, आपने कहा तो था सर 50 रुपीज आपका, ये लीजिए। अरे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा, मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि मानता हूं कि आपने 25,000 ऑप्शंस यहां पे अनाउंस किए थे, लेकिन जो इम्प्लॉय काम छोड़ के चला गया उसको तो अब शेयर्स देने नहीं है। जब उनको शेयर्स नहीं देने तो उनके नाम का लॉस आप प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखा सकते हो। एक काम करो कि आप पहले क्या करो, इस 25 पे उस 4 को हटाओ और जितने बच गए यानी कि 21,000 उसी पे आप खर्च दिखा सकते हो। पर बच्चे 21,000 शेयर्स पर शेयर 50 का हमें लॉस होने वाला है। जरा कोई बताएगा इस क्वेश्चन को देख के कि टोटल आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है, सर 3, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ कि इस दिन पे जहां पे हम बात कर रहे हैं अभी तक कितने पीरियड लैप्स हो चुके हैं। सर 1 साल लैप्स हो चुका है, सर 1 साल, जिस दिन अनाउंस किया गया था उससे 1 साल लैप्स हो गया है। तो मेरे बच्चे टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, लैप्स मतलब जो खत्म हो चुका है, इनटू आपका 1, आप इसको क्या करो ऐसे लिखो, माइनस करेंगे, माइनस क्या, अरे टोटल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस, जरा बताओ क्या इसके पहले अभी तक आपने कोई भी प्रॉफिट लॉस में खर्च रिकॉर्ड किया है क्या? अरे जरा बताओ ईसोप के नाम पे क्या इसके पहले अभी तक कोई खर्च रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं सर, कोई खर्च रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेरे बच्चे पहले साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे बताओ तो फिर ये अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, जरा बताओ जरा कितना निकल के आ रहा है। आज तो बस ये चैप्टर रहेगा या हम लोग रहेंगे, आज तो बस ये चैप्टर रहेगा या हम लोग रहेंगे। मेरे बच्चे ये अमाउंट आपका 3,50,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है, 350 का, यानी कि 3.5 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो हम एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2018। मैं यहां इंतजार नहीं कर सकता बच्चे, मुझे सब्र करने की आदत नहीं है। तो मैं यहां पे 3,50,000 से एक्सपेंस को यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। लिखो ना यहां पर 350 का अमाउंट निकल के आया, यानी कि आपने 31st मार्च 2018 को जो भी आपको टोटल लॉस होने वाला था उसमें से 350 का अमाउंट आपने क्या क्या यहां पे दिखा दिया। और हां बिना देर किए बगैर आज ही यानी कि 31st मार्च 2018 को आप इस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में दिखाओ तो एंट्री आपका हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा जी इंप्लॉयज, लिखे यहां पे टू आपका इंप्लॉयज कंपनसेशन, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। लीजिए हमने जो एक्सपेंस बुक किया उसको साल के एंड में हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, हमारी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। आप प्लीज कॉपी करें। मैं थोड़ा पानी पी लूं, मेरा गला थोड़ा सूख रहा है बच्चे, आप प्लीज यहां पर रिकॉर्ड करो, ये हमारा काम पूरा हो गया। फिर पी लिया पानी? हाँ बच्चे हाँ, मुझे समय नहीं है पानी पीने का भी, मैं चाहता नहीं कि थोड़ा भी आपका कॉन्सेप्ट यहां से टूटे। लो लो यहाँ पे काम पूरा हो गया। और हाँ ये जो हमने लिखा था ना आपका एग्जिस्टिंग ऑप्शन, हमेशा चेक करेंगे आप जिस दिन प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे हमने चेक किया जी, जब हम प्रॉफिट लॉस का ट्रीट करते बनाते हैं आपका, ठीक है। लो समय आगे चला, नजर यहां चला, समय चलते चलते यहां पे कुछ लोगों ने छोड़ दिया, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, हम चलेंगे। और साल का एंड आ गया 31st मार्च 2019, लिखो यहां पे 31st मार्च 2019 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे दोबारा हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, यानी कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, लिखो यहां पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड एंड टू आप यहां बोलेंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमने यहां पे रिकॉर्ड करना है। आओ देखते हैं ये अमाउंट आपका इस बार कितने से रिकॉर्ड होगा। सुनो मैं इसी वर्किंग में आगे बढ़ाऊंगा, मैंने कहा था हाफ पे जगह छोड़ने के लिए। अब मैं 31st मार्च 2019 को आ गया, 19 को, नजर यहां यहां देखो आप, चलो बताओ इस दिन पे आपका जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने हैं, यहां देखो कितने ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो आप समझो ना, हमारे 25 में 4 यहां जब कैंसिल हो गए थे तो यहां पे 21,000 बच गए थे।
अरे 21 में फिर से 2000 यहां पे कैंसिल हो गया, तो बताओ जरा अब यहां पे एग्जिस्टिंग कितने हैं सर? 21 में 2 कैंसिल करने के बाद 19000 है सर, 19000। सुनो ना मेरी बात, 19000 है। देखो एंट्री कैसे बनाऊंगा, एग्जिस्टिंग ऑप्शन, फिर से इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, इस बार आपका 19000 है, 19000। अब बताओ लॉस पर शेयर आपको कितने का हो रहा है आपको, यानी कि कंपनी को 50 आपका। मुझे बताइए ये टोटल आपका कितने साल में राइट ऑफ करना है सर? ये राइट ऑफ करना है 3 इयर्स में आपका, 3 साल में। मुझे बताओ जरा टोटल अभी तक लैप्स पीरियड कितना हो चुका है? लैप्स सर 1 और 1 2 साल, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। इतना लॉस हमें 3 साल में राइट ऑफ करना था, तो 2 साल में कितना, ये हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा। जरा सुनो थोड़ा समझा दूं, वो कहते यार 21 यहां ठीक था, बीच में लोग काम छोड़ के चले गए, तो मैं टोटल 19000 शेयर्स पे ही लॉस अलाउ करूंगी, 90000 इंटू 50 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। और हाँ, इसमें से क्योंकि आपको 2 साल में इतना खर्च दिखाना अलाउड है, इसमें से पिछले साल तक जो आप लॉस आपका ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हो, कितना दिखा चुके हैं? 350। ये देखो टोटल एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है इन प्रॉफिट लॉस इन द प्रीवियस ईयर, ये अमाउंट आपका है, उस 350 का अमाउंट को माइनस कर दो, फिर जो आएगा वो। सर क्या हुआ, आओ जरा ऐसे समझाता हूं, आप अपने कैलकुलेटर को अपने हाथ में रखेंगे और देखो क्या निकल के आता है। अथॉरिटी ने कहा कि भैया अब आपको 19000 शेयर्स देना है और एक शेयर पे लॉस आपका 50 होगा, यानी कि टोटल आपका लॉस अब 950000 होने वाला है, तो मैं सिर्फ 950 खर्च अलाउ करूंगी, ऐसा इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा। उन्होंने कहा कि हाँ ये लॉस आपको 3 साल में दिखाना था, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, तो इंटू 2 आपका टोटल लॉस जो 2 साल में आप दिखा सकते हैं ये 633333 का दिखा सकते हैं। 2 साल जो गुजर चुके हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस अभी हैं उनके हिसाब से इतना लॉस दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आप पिछले साल ऑलरेडी आप 350 दिखा चुके हो, तो उसको माइनस करके जो बाकी आएगा उस लॉस को आप इस पर दिखा दो। बताओ जरा अगर मैं इसमें 350 माइनस करूं तो कितना निकल के आता है? सर ये आ गया 283333 का अमाउंट मेरे बच्चे, समझो ना। देखो ना एक बार दोबारा, नजर यहां। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि 2 साल में इतना खर्च दिखा सकते हो, 2 साल में, लेकिन इस 2 इयर्स में जितना दिखा सकते हो इसमें से 350 आपने ऑलरेडी दिखा दिया है, उसको माइनस करके बाकी आप खर्च इस पर दिखा दो। तो मेरे बच्चे यानी कि सेकेंड ईयर में जो आपका एंट्री बनेगा वो एंट्री आपका 283333 के अमाउंट से। कुछ चैप्टर में है ही नहीं पढ़ाने को, लोग मैं पढ़ाऊं तो क्या पढ़ाऊं, जरा बताओ क्या पढ़ाऊं। और हाँ साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2019 को इस अमाउंट को आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो लिखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा एंड टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये आपका जो एक्सपेंस है उसको हमने दिखा दिया, 283333 का अमाउंट, 283 एंड 333 का अमाउंट। आई बात समझ में? सर हाँ सर हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो। सर बोलो ना फिर क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे कितना, ये बहुत टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इतना टफ क्वेश्चन जहां में नहीं आता। देखो फिर क्या हुआ, फिर समय आगे चला, चलते चलते यहाँ कोई एंट्री नहीं बचे, साल के एंड में आ जाओ, हमेशा एंट्री साल के एंड में होगा। आप आगे 31 मार्च 2020 को आपने आज फिर से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कीजिए और ये आपका टू रिकॉर्ड किया जाएगा इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देखो ना इस बार एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, वर्किंग हम यहां लेकर आएंगे। तो हमने क्या किया 31 मार्च 2020 को, देखो ये एंट्री कैसे बनेगा, जरा नजर यहां डाला, नजर यहां जरा देखो फॉर्मूला है एग्जिस्टिंग ऑप्शन। मुझे बताओ 21 में जब यहां पे 2 कैंसिल किया तो 19 था, 19 में 1 कैंसिल करने के बाद यहां पे ऑप्शन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितना आपका हो गया सर? 18000। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहते हैं कि भैया अब देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, एग्जिस्टिंग ऑप्शन जो आपके पास है वो 18000 है,
इनटू जो पर शेयर आपको लॉस 50 का हो रहा है मल्टीप्लाई करो, जो टोटल वेस्टिंग पीरियड था 3 इयर्स था, जरा बताओ 3 इयर्स में से अभी तक टोटल कितना लैप्स्ड हो चुका है, फिर पूरे 3 साल खत्म हो चुके हैं, मल्टीप्लाई 3, यानी कि पूरे 3 साल में आप इतना खर्च दिखा सकते हो, लेकिन इनमें से जो खर्चे अभी तक आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिए वो कौन से खर्च हैं? एक ये और एक ये। वो कहते हैं कि जो आप दिखा चुके हो उसको माइनस कर लो और बाकी खर्चे आप दिखा दो। तो चलो बताओ इन दोनों को ऐड करके कितना आपका हो गया? तो आपका जब दोनों को ऐड किया मेरे बच्चे, ये अमाउंट आ गया आपका, यहां से माइनस कर दो 633 का अमाउंट। मैं चाहता नहीं कि रिवीजन में आपको दिक्कत हो, इसलिए बता दूं ये कैसे निकल के आया है। इन दोनों को ऐड करके लिख दो ब्रैकेट में 350 और प्लस आपका 283333 का अमाउंट आपका। मुझे बताओ जरा अब हमारा यहाँ पे एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? तो सर देखो ना, 18,000 इंटू आपका 50, सर ये जो टोटल आपको लॉस होने वाला था ये 9 लाख का, 9 लाख में सर अगर आप यहाँ पे 633333 दिखा चुके हो तो उस केस में सर अब जो लॉस आपका बच जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 266667 का अमाउंट। ये आपका तीसरे साल का हुआ मेरे बच्चे, आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पे लिखो 266667 एंड 266667 एंट्री कंप्लीट हो गई। अमाउंट हमेशा आपने वर्किंग में ऐसे निकाल देना है, लिख देना, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और हाँ, क्योंकि साल का एंड है मेरे बच्चे, आज ही मुझे अपने खर्चे को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आपने क्या बोला, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हमने यहां पर रिकॉर्ड किया। जरा बताओ ये एक्सपेंस कितने से आपका रिकॉर्ड हुआ? 266667 का अमाउंट, यहां पर 266667 का अमाउंट। लीजिए हमारा काम पूरा हो गया बच्चे, हमने 3 साल जो हमें खर्चे बुक करने थे हमने कर दिए। अब 3 साल गुजरने के बाद आज ही हमें क्या करना है, इंप्लॉई को शेयर्स देने हैं। देखो जरा ये एंट्री कैसे बनेगा। अरे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में भी क्या आपने कुछ इंप्लॉई से पैसे लिए क्या? नहीं सर, कोई पैसे नहीं लिए, तो बैंक तो नहीं आएगा। आप ईसोप जो लायबिलिटी थी उसको हटाओ, यानी कि हमने क्या किया यहां पर, ये जो इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो था, आप इस नाम को आप डेबिट कीजिए और इसके बदले में आप इंप्लॉय को शेयर्स दीजिए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ आएगा मेरे बच्चे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर क्या होगा अगर हम कुछ पैसा चार्ज करेंगे? बताऊंगा बच्चे, आगे क्वेश्चन आएगा, आप चिंता ना करो, लिखो तो पहले यहां पे आप। तो आप देखो अब हमारी जो लायबिलिटी है हम खत्म कर रहे हैं और शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई बताएगा कि कितने शेयर्स देने की लायबिलिटी आपके पास है? बोलो ना कितने शेयर्स देने की। सर शेयर्स देने की जो लायबिलिटी है ना वो सिर्फ 18,000 है, क्योंकि जो बीच में कैंसिल हो गए वो तो लायबिलिटी रहा नहीं सर। तो 18,000 शेयर्स देने की लायबिलिटी है। आप एक काम करना, ये जो ईसोप आपका है वो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना था जी, पर शेयर लॉस 50 है ना, याद रखना पर शेयर पूरे 50 रुपीज हमने प्रॉफिट लॉस से चार्ज किए हैं इस 3 साल में। जितने शेयर्स जो एग्जिस्टिंग है, जो शेयर्स हमें इंप्लॉय को देने हैं उनपे पर शेयर हमने 50 रुपीज चार्ज किया है, उस पूरे 50 को आप डेबिट करो, यानी कि 9 लाख का अमाउंट। आओ ना शेयर्स देते हैं। अगर हमने 18,000 आपको शेयर्स दिए, एक का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 180 का अमाउंट यहां चला जाएगा। और मेरे बच्चे 18,000 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से कितना आ गया आपको यहाँ पे, 720,000 प्रीमियम के नाम पे यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? सर हाँ। पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी एंट्रीज पूछता, कभी कभी बोलता भैया अकाउंट बना दो, कभी कभी कहता अकाउंट बना दो, तो मैं ना इसको मिटाता हूं। मैं मुझे कुछ अकाउंट आपको दिखाने हैं, लो मैं वो अकाउंट भी आपको दिखा दूं, ताकि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि बस दुनिया का कोई भी आदमी आपको पीछा ना कर पाए। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा किसी दुनिया में किसी से पीछे रहे, बस आगे ही रहना है। देखो जरा मैं अकाउंट आपको दिखाता हूं। आओ ना एक अकाउंट यहां बनाते हैं हम लोग, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात थोड़े है, एंट्रीज को ही तो अकाउंट में हम कन्वर्ट करते हैं मेरे बच्चे, एंट्रीज को ही अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। ये लीजिए मैंने यहां पे अकाउंट बना दिया,
तीन साल की अकाउंटिंग हमें करना है। ये देखो पहले साल आपने 31 मार्च 2018, यहां लिखा आपने 31 मार्च 2018 को, देखो एंट्री क्या लिखा आपने, इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस में टू इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो आप लिखेंगे यहां पे टू इम्प्लॉयज शॉर्ट में स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन प्लान, या प्लान हमने नहीं लिखा क्या, नहीं सर प्लान नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग। मैं अभी कई सारे नाम इसका दूंगा, आप चिंता नहीं करना, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। कितने का अमाउंट आपका है, 350,000, ये लीजिए। अरे उसके बाद इस अमाउंट को हमने 31 मार्च 2018 को ही हमने बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जाके इसको एडजस्ट कर दिया, तो 350 की एंट्री आपकी यहां पे कंप्लीट हो गई, जो हमने एक्सपेंस चार्ज किया उसको प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। फिर आया 31 मार्च 2019, अगेन जरा बताओ, टू इम्प्लॉयज स्टॉक स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जरा बताओ इस बार हमने कितना दिखाया, इस बार कितना दिखाया सर, इस बार आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वो 283,333 का अमाउंट। अरे कोई बताएगा कि आज के दिन ही इस खर्च को फिर हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो लिखो ना 283,333 का जो अमाउंट है हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया। पता नहीं ये अकाउंट क्यों बना रहा हूं, मुझे पता आप समझदार हो, बड़े बच्चे हो, फिर भी पता नहीं क्यों अकाउंट बना रहा हूं, क्यों मैं आपको इतना छोटा समझ रहा हूं, क्यों मैं इतना छोटा समझ रहा हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आज रात 31 मार्च 2020 फिर से लिखो यहां पे टू इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, चलो बताओ इस बार एक्सपेंस कितना दिखाया हमने, सर 266,667। और जरा बताओ ये एक्सपेंस साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2020 को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, 266,667 का अमाउंट एंट्री हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया, खत्म होगी बात, कुछ करना नहीं है। अरे जनरल जो था उसी को तो अकाउंट में दिखाना, बच्चे बताओ कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ आओ जरा हम यहां पे एक अकाउंट और बना लें, इम्प्लॉयज इम्प्लॉयज स्टॉक स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आप बनाइए मेरे साथ इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये अकाउंट थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, ध्यान क्या देना है, खामखा मैं आपको डरा रहा हूं, हमने एंट्री तो पास कर ही लिया है और 11th क्लास से एंट्री करना सीख रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये देखो आप यहां देखो, आपने कहा 31 मार्च 2018 को कि बाय इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, जरा बताओ एक्सपेंस कितना आपका रिकॉर्ड किया, 350। पर बच्चे आप देखो ये लायबिलिटी है, ये हम कहीं प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो 31 मार्च 2018 को इसका रह गया टू बैलेंस सीडी कितना जी, 350,000 का अमाउंट ये हमारा रह गया जी। ये अभी हमें शेयर तीन साल के बाद दिखाने हैं। और हाँ कोई पूछ दे कि जरा बताओ जी ये 350 का अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे किस हेडिंग में, तो कहना शेयर होल्डर्स फंड। कोई पूछे सब हेडिंग कौन सा होगा, तो बोलना रिजर्व सरप्लस। कोई पूछ दे कि ऐसा क्यों होता है, तो कह देना कि प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, वो रिजर्व के रूप में ही तो रहता है। तो जब तक हम शेयर्स आपको नहीं दे देंगे हम रिजर्व के रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना। आइए अगले साल 1/4/2018 को यहां पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी बच्चे पिछले साल का जो एंड है इसको ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, 350 का अमाउंट आपका। फिर हमने क्या किया, 31 मार्च 2019 को आपने फिर से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, आपने बोला है बाय इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। जरा जरा देख के बताओ ना इस अकाउंट में पैसे इस बार कितने ट्रांसफर किए गए आपका, सर 283,333। तो लिखो यहां पर 283,333। क्या हमने कुछ इसका किया क्या, नहीं सर, ये 31 मार्च 2019 को यहाँ पे टू बैलेंस सीडी रह जाएगा, टू बैलेंस सीडी। जरा बताओ अमाउंट कितना आपका हो गया, सर ये अमाउंट हो गया है 6,33,333 का अमाउंट आपका, ये भी हमारा खत्म हो गया। मेरे बच्चे तीसरा साल 1/4/19 लिखेंगे आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, आप बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी अमाउंट हो गया 633,333 का अमाउंट आपका। सुन रहे मेरी बात आप, अरे मेरी बात सुन रहे हो अपना, सर हाँ बोलो ना आगे क्या होगा।
पर बच्चे ये जो आपने बाइबल स्पीडी लिखा आपने यहाँ पे, अब हमने क्या करना है जी, इस साल के एंड में 31 मार्च 2020 को फिर से आपने एक्सपेंसेस बुक किए हैं, इस पर चेक करो आपने एक्सपेंस कितना बुक किया, 266667 इस अकाउंट में। तो बाय इम्प्लॉयज कंपनसेशन आपने एक्सपेंस अकाउंट जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं हम लोग, 266667 का अमाउंट आपका, ये हमारा काम हो गया। अब देख सकते हो ये तीनों ये जो अमाउंट है मिलके 9 लाख हो चुके बच्चे, 9 लाख। इस 9 लाख के बदले में साल के एंड में यानी कि 31 मार्च आपने 2000 को क्या किया, आपने देखो इनके बदले में शेयर्स आपने इनको दे दिए। अगर हमने शेयर्स दे दिया तो आप यहां बोलेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब ये शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जरा बताओ ना, जरा बताओ कि कैपिटल के आगे अमाउंट कितना चला गया, सर 180। अच्छा बताओ प्रीमियम के आगे अमाउंट कितना चला गया, 720। क्या ये टैली कर गया क्या, सर करना ही करना है, जब आपने सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो टैली करेगा ही करेगा। बताओ जरा, बताओ मुझे, मुझे कोई बताए इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको पढ़ानी है मुझे, और क्यों मैं पढ़ाऊं, क्यों पढ़ाऊं, क्यों ये चैप्टर अपने आप नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। आप प्लीज कॉपी करो, आप प्लीज कॉपी करो उसको। सर हो गया सर, आज ना सर आप समय बर्बाद कर रहे हो, वो क्यों बनाया आपने जरा बताओ, क्यों बनाया? अरे हमें हमें क्या आप क्या समझते हो, हम एंट्री देख के अकाउंट नहीं बना सकते क्या? ज्यादा स्मार्ट समझते हो सर अपने आप को, ज्यादा स्मार्ट समझते हो आप? नहीं बच्चे नहीं, अरे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, मुझे सब कुछ कराना होगा, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ दे, कौन जानता आपका, कौन जानता है ना। एक काम करो, एक नोट लिख दो फिर मैं आगे और बढ़ाता हूं, एक नोट लिख दो यहां पे आपका नोट, ये जो आपका था ना इम्प्लॉयज इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, ये जो नाम था मेरे बच्चे लिख देंगे यहां पे, इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको और भी कह सकते हैं एक नाम से ईसोप। ईसोप का मतलब क्या हो गया, इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब एंट्री में हम उस नाम के जगह पे अगर ईसोप के नाम को यूज करेंगे तो भी किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे आधे नंबर को भी वो काट ले, बिल्कुल सही काम करेंगे आप, ठीक है ना। मैंने बुक में इसकी पूरी थ्योरी दी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है वो सारी थ्योरी यहां पे मैंने बताई है, आप इस थ्योरी को पढ़ जाएंगे, ऐसे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थ्योरी आ जाए तो भी आप परेशान मत होना, सब कुछ मेरे बुक में कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। आओ जरा मैं अब ना बुक के क्वेश्चन करना चाहता हूं, मेरा मन बहुत उतावला हो रहा है, देखो जरा कि बुक में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जरा आइए मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन पे जरा आओ और देखते हैं कि क्या हम लोग अब बुक के क्वेश्चन करने लायक हैं। बुक में जितने सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आओ जरा देखते हैं क्या बता रहा आपका, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। क्वेश्चन नंबर वन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो ना क्या बता रहा है। वो कहता है कि 1 अप्रैल 2008, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, 1 अप्रैल 2008 को ए लिमिटेड ऑफर टू इट्स इंप्लॉयज 5000 ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 15 ईच। एक मिनट, यहां पे पैसा चार्ज कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंदर में एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है, वो कितना बता रहा है जी, 15 ईच, टू बी वेस्टेड आफ्टर 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल के बाद। मैं डायग्राम बनाऊं क्या, बनाओ ना मेरे साथ डायग्राम, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बिना तो मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा ही नहीं। मुझे बताओ आज जिस दिन ऑप्शन को अनाउंस किया गया वो कौन सा दिन है, सर 1 अप्रैल 2008 है, ठीक है। जरा बताओ आज हमने कितने ईसोप को अनाउंस किए हैं, सर आज हमने 5000 ऑप्शंस को यहां पे अनाउंस किया, 5000। अच्छा क्या रेट है, सर कहता है कि एट द रेट ऑफ रुपीज आपका 15 है, 15 के हिसाब से। अच्छा यानी कि मेरे बच्चे एक साइज प्राइस यहां पे, आगे बढ़ना, कहता है कि टू बी वेस्टेड आफ्टर 24 मंथ्स, 2 साल। तो ये रहा पहला 31 मार्च 2009 और सेकंड आपका यहां पे 31 मार्च 2010, 2 साल की बात कहता है। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, वो कहता है कि फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू कब, ऑन दैट डेट, आज मेरे बच्चे, आज कहता है कि जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो आपको क्वेश्चन बता रहा है कि 60 रुपीज का अमाउंट है, 60 का। वो फिर कहता है कि 1000 ऑप्शन को विड्रॉ कर दिया गया, 1000 ऑप्शन विड्रॉ कब जी, 30th नवंबर 2008, यहां कहीं मेरे बच्चे,
कहता कि 30th नवंबर 2008 को यहाँ पे 1000 ऑप्शंस को विड्रॉ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और फिर कहता आगे अगेन ऑन 31st दिसंबर 2009, यहाँ मेरे बच्चे फिर से कोई आदमी काम छोड़ के चला गया, बदमाश था, लालची था इंसान, लालची इंसान था, फिर से 500 ऑप्शंस को यहाँ पे विड्रॉ कर दिए गए। बोलता है कि रिमेनिंग ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया। जरा बताओ यहाँ पे रिमेनिंग ऑप्शन कितने बच गए हमारे पास? सर देखो ना सर, 5000 में से अगर 1500 को हटाओगे तो 3500 जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे एक्सरसाइज हो गए, यानी कि लोगों ने परचेज किया। और मजे की बात पता है क्या बच्चे, कि इस बार आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस भी दिया हुआ है। हमने जो एग्जाम्पल आपको दो कराया उसमें प्राइस जीरो था, बट इस पर प्राइस आपका है और वो कहता है कि आपका 15। तो जल्दी से पहले मुझे बता दो कि लॉस जो आपको होने वाला है, लॉस जो कंपनी को होगा टू कंपनी पर शेयर, वो कितना होगा? लॉस टू कंपनी पर शेयर जो आपको होने वाला है जी ड्यू टू ईसोप, वो कितना होने वाला है? सर 60 रुपीज में से आप 15 को हटा दो सर, यानी कि पर शेयर जो लॉस होगा ना वो 45 होगा। ठीक है, मैं इतना लिख के छोड़ दूंगा और मैं वर्किंग के लिए छोड़ दूंगा आगे का पूरा जगह। इस पेज को पूरा छोड़ दो, इस पेज को पूरा छोड़ दो और इस साइड आओ, मैं आपको जनरल एंट्रीज दिखाता हूं। मुझे विश्वास है आपके हाथ और आपका दिमाग दोनों आगे चलने को बेताब है कि सर से भी पहले क्वेश्चन करके मैं दिखा दूं, लेकिन ठहरो ना, थोड़ा सा ठहरे तो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा मुझे भी तो मौका दो, मुझे भी तो पहले करने का मन करता है। आप मेरे साथ चलोगे आगे आगे, अभी नहीं चलोगे, आगे आगे नहीं चलोगे, सुनो मेरी बात। मुझे बताओ 1st अप्रैल 2008 को क्या एंट्री होगा? सर 1st अप्रैल 2008 को नो एंट्री होगा। क्या एग्जाम में ये बात आपको लिखना है क्या? नहीं लिखना, आप इस डेट को इग्नोर कर देना, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए कर दिया मैंने। समय आगे चला, ये देखो चलते 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 यहां कोई एंट्री होगा क्या? नहीं सर, सिर्फ एंट्री साल के एंड में, यानी कि 31st मार्च 2009। क्या एंट्री करूंगा? तो सर इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कीजिए। इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा मेरे बच्चे। एंड टू आप लिखो, यहां पे टू लिखेंगे, बताइए क्या आएगा? सर यहां पे आएगा इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अच्छा, कुछ और भी नाम इसको दे सकता हूं क्या? सर हाँ, आपने कहा था ईसोप भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम हम स्टार्टिंग से यूज करते रहे वही लिखूं क्यों? फालतू में हम नाम को चेंज करें कंफ्यूज करने के लिए। आओ जरा मुझे जरा बताओ यहां पे फॉर्मूला वो क्या था कि आपका कंप्यूटेशन ऑफ, लिखे यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 कर दो, अब यहां पे 2 कर दो, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईच ईयर, हर एक साल कितना कितना एक्सपेंस दिखाऊंगा। जरा बताओ इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सर आपने फॉर्मूला कहा था कि टोटल जो आपका एग्जिस्टिंग ऑप्शंस जिस दिन मैं खर्च को बुक कर रहा हूं उस दिन जो ऑप्शंस हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे लॉस पर शेयर जो कंपनी को पर शेयर लॉस हो रहा है, यहां पे 45 हो रहा है मेरे बच्चे, डिवाइडेड बाय हमने कहा था टोटल वेस्टिंग पीरियड। अच्छा बताओ हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया था? सर आपने मल्टीप्लाई किया था इसको टोटल लैप्स्ड यानी कि जो खत्म हो चुके हैं, लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड जो पीरियड खत्म हो चुका अभी तक उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, और इसमें से सर आपने कहा था माइनस कर देना टोटल एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड और अच्छा वर्ड लगेगा आपको, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन प्रीवियस ईयर्स, इसके पहले जो पिछले साल थे उन वर्षों में जो आप प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हैं हम उसको माइनस कर देंगे। मुझे जरा बताओ अब मैं ये काम कब करूं पहले? सर यहां पे सर 31st मार्च 2009 को अब बताओ टोटल यहां पे ऑप्शंस आपका एग्जिस्टिंग कितना है?
सिर्फ 5 में 1000 लैप्स हो गया, सिर्फ 4000 है सर, 4000 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब बताओ लॉस पर शेयर आपको कितना हो रहा है, 45। मुझे बताओ कितने साल वेस्टिंग पीरियड है, सर 2 ईयर्स, सर 2 ईयर्स, 2 से डिवाइड करो। अच्छा बताओ इस दिन तक कितने साल खत्म हो चुके हैं, सर 1 साल, तो लैप्स जो हो गया इंटू 1, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। जरा बताओ कि जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी आप प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हो, जो एक्सपेंस जो आप प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी दिखा चुके हो, जरा बताओ अमाउंट कितना आपका है। सर कहां, कैसी बात कहते हो सर, ये पहला साल है, अभी कहां कोई एक्सपेंस हमने दिखाया है, नील यानी कि, तो बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ गया, बताओ कितना आ गया। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि भैया 4000 पे पर सिर्फ 45 का लॉस होगा, ये क्योंकि 2 साल में लॉस होगा और अभी 1 साल गुजरे हैं, तो लो आप 90,000 यहां पे एक्सपेंस ग्रुप में दिखा दो। हमने क्या किया मेरे बच्चे, 90,000 यहां पे एक्सपेंस ग्रुप में दिखा दिया और हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। हाँ, बिना देर किए बगैर आज ही मैं एक एंट्री और पास करता हूं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, जरा बताओ कहां रिकॉर्ड किया जाएगा सर, इंप्लॉयज टू इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। ये जो एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया है उस साल के एंड में आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, उसकी भी हमने एंट्री यहां पे दिखा दी। तो 31 मार्च 2009 को हमने एंट्री रिकॉर्ड किया, आई बात समझ में सर। हाँ सर हाँ, यहां देखो ना, यहां देखो ना, अरे जरा यहां देखो तो समय आगे चला, कुछ यहां एंट्री होगा क्या, नहीं सर, साल के एंड में हमेशा एंट्री करना है, यानी कि अब आ गया 31 मार्च 2010, फिर से एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, तो आपका इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट आप डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट आप डेबिट करेंगे एंड टू लिखो यहां पे इंप्लॉयज, इंप्लॉयज स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब ये एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, इस अमाउंट को हमेशा हम यहां से जज करेंगे मेरे बच्चे, 31 मार्च 2010। सुनो ना, सुनो तो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो, जरा बताओ इस दिन पे अब ऑप्शंस कितने आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ 5 में 1 लैप्स हुआ था, यहां 4 बच गया था, लेकिन 4 में सर फिर से 500 भाग गया, तो सर 3500, यानी कि 3500 मल्टीप्लाइड बाय, जरा बताओ पर ईयर पर शेयर लॉस 45, कितने साल थे वेस्टिंग 2। अच्छा बताओ यहां तक कितने साल गुजर गए, सर पूरे 2 साल गुजर गए इंटू 2, तो इतना खर्च मैं 2 सालों में दिखा सकता हूं, लेकिन बताओ इसमें से मैं ऑलरेडी पिछले साल कितना दिखा चुका हूं, 90,000, तो बताओ इस पर और मैं कितना दिखा सकता हूं, जरा बताओ और मैं कितना दिखा सकता हूं, 35 × 45 सर ये हो गया 157,590, आप पहले ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो सर 67,500 का अमाउंट यहां पे। अरे जैसे जैसे ऑप्शन लेफ्ट होंगे खर्चे कम होते चले जाएंगे, खर्चे कम दिखा सकते हैं, जितना पहले दिखा चुका हूं बाकी का और दिखा दूंगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आ गया, 67,500 का। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मान लो जितना खर्च दिखाना है अगर उससे कहीं ज्यादा हम पहले दिखा चुके हैं, तो आएगा क्वेश्चन बच्चे, अभी दिमाग उतना ना लगाओ, अभी तो बहुत सारे केसेज हमें करने हैं, अभी फिलहाल जो केस है उसके हिसाब से एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। और हाँ, जल्दी से एक काम करो, आज ना ये आपका प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आपने क्या बोला, इंप्लॉयज, इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। बोलो जरा ये अमाउंट कितना आपका हो गया सर, 67,500 एंड 67,500, ये एंट्री हमारी होगी, ये एंट्री होगी मेरे बच्चे। लो हमने एंट्री कर दिया, लो हमने एंट्री कर दिया, जरा बताओ अब मैं क्या करूं। सर आज ही, आज ही आपने क्या करना है सर, शेयर्स देने हैं, शेयर्स देने हैं। मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, अब बहुत प्यारे बच्चों, सच्ची बता रहा हूं, बहुत प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान लगा दो, मैं आज शेयर्स देने का, एंट्री करने का 2 तरीका बताता हूं, एक आपको मेथड वन और एक आपका मेथड 2, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का अल्टीमेट इंपैक्ट सेम है, लेकिन आपको 2 तरीका बता देता हूं। कई सारे बुक्स में ये तरीका, कई सारे बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, तो मेरे बच्चे परेशान ना हो, इसलिए दोनों तरीका आपको दिखा दो। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका सुनो मेरी बात, जब शेयर्स दिया जाएगा, जब शेयर्स दिया जाएगा ना, तो पहले आप इसको हटाओ, लायबिलिटी खत्म करो,
यानी कि हमने क्या किया, इंप्लॉयज इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वो जो रिजर्व हमने बना के रखा था ना, अब मैं उसको हटा रहा हूं। जरा बताओ टोटली रिजर्व कितना दिख रहा होगा, कितना दिख रहा होगा? तो देखो जितने ऑप्शन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चे, यानी कि 3500, इस पे पर शेयर जो लॉस आपने बुक किया था 45, वही अमाउंट इस अकाउंट में दिख रहा होगा। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको प्रूफ कर दिया है। तो जरा बताओ 3500 इंटू आपका कितना जी, सॉरी 3500 इंटू आपका जरा बताओ 45 कितना हो गया? सर ये आ गया 1,57,500। पता अभी तक क्या हुआ, हमने इसी के बदले में शेयर्स दे दिया था, हमने पब्लिक से कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया था। पर बच्चे इस बार क्या हो रहा है कि ये तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन इम्प्लॉय से कुछ पैसे भी तो चार्ज कर रहे हैं। तो जो इम्प्लॉय से यानी कि जिनको हम शेयर्स दे रहे हैं उनसे पैसा चार्ज करेंगे, उससे बैंक मेरा बढ़ेगा, बैंक और पर शेयर कितना चार्ज कर रहे हैं 15। तो जरा बताओ 3500 शेयर्स अगर हमने इम्प्लॉय को दे दिया और पर शेयर आपका 15, तो बताओ ये बैंक में कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 3500 इंटू आपका 15, मेरे बच्चे ये अमाउंट आ गया 52,500। पता इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो यहां देखो, हमने कहा कि भैया 45 हम अपने तरफ से दे रहे हैं और 15 हम आपसे ले रहे हैं, तो टोटल जो शेयर्स आपको दिया जा रहा है उसकी वैल्यू 60 रुपीज है। देख लो शेयर कितने का था, 60 रुपीज आपका। हमने कहा उनको, कहा कि 15 आप दो, 45 हम आपको दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो टोटल 60 आपको दे रहे हैं और ये 60 जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल में, तो टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फेस वैल्यू से ज्यादा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो ना 3500 शेयर्स इंटू आपका 10 यानी कि 35,000 कैपिटल के आगे, और मेरे बच्चे 3500 इंटू जो ऊपर का अमाउंट हो गया 50 आपका, वो चला जाएगा प्रीमियम के नाम पे। तो बताओ 3500 इंटू 50 कितना निकल के आता है? सर ये आ गया 1,75,000। सुना सुना मेरी बात, मैंने क्या बोला? अरे मेरी बात सुना मैंने क्या बोला, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। हमने कहा कि 45 तो कंपनी ने खुद अपनी तरफ से दिया, वो प्रॉफिट वाला जो पैसा निकाले थे, और 15 हमने आपसे लिया, टोटल 60 हो गया। 60 के बदले में जो शेयर्स मिल रहा है उसका फेस वैल्यू 10 है, बाकी का प्रीमियम के नाम पर रिकॉर्ड किया गया। हो गई बच्चे बात, बात हो गई यहां पे। सर ये तो बहुत सिंपल है, फिर सर मेथड टू छोड़ दो ना। ना बच्चे ना, मैं नहीं छोड़ने वाला, मेरा जो काम है मैं काम करके रहूंगा। मैं मेथड टू को आपको फिर यहां पे दोबारा आपको, क्योंकि वहां जगह कम है, मैं इस साइड दिखा देता हूं। लिखो मेरे साथ यहां पे मेथड टू, मेथड टू। आप हंसोगे मेरे ऊपर में कि सर क्यों सिखा रहे हो, वही बात तो है, पर फिर भी मेरा काम है मेरे बच्चे। देखो मैं क्या करूंगा मेथड टू में, एक काम करो, ये जो 15 का अमाउंट है ना, 15 का अमाउंट वो ले लो आप पहले इंप्लॉय से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितना हमने लिया जी, 52,500। पर बच्चे इसको डायरेक्टली शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के बजाय इस अमाउंट से क्या करो, वो जो इसोप था ना, इसोप अकाउंट, इसको बढ़ा दो, यानी कि इंप्लॉयज इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। सर इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, लेमन लैंग्वेज में, तो मेरे बच्चे ध्यान देना क्या हुआ कि जो लायबिलिटी कंपनी के ऊपर थी ना शेयर्स देने की, जो लायबिलिटी कितने की थी जी, इतने की पहले लायबिलिटी थी बच्चे, वो लायबिलिटी और बढ़ गई क्योंकि हमने इंप्लॉय से पैसे भी लिए हैं, तो जो पैसा लिया उससे लायबिलिटी को बढ़ा दिया। और अगली एंट्री में क्या करूंगा, अब ये जो लायबिलिटी है मेरे बच्चे, यानी कि इंप्लॉयज इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मैं इस लायबिलिटी को खत्म करके, जरा बताओ अब टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई। सर पहले से इतना था, इसको भी तो लायबिलिटी में ऐड कर दिया, सर टोटल लायबिलिटी जो आपका है वो 2,10,000 की हो गई। 210 कैसे कैसे, जरा फिर से देखो, अरे 157,500 पहले से इस अकाउंट में था लायबिलिटी आपका, हमने जो पैसा लिया इंप्लॉय से उसको भी उसी ऑप्शन में लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जिसके थ्रू शेयर हम देने की बात कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट आपका इतना हो चुका है। अब इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू आपका यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर दोनों में से कौन सी एंट्री अच्छा है? दोनों अच्छा बच्चे, कोई भी करो पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3500 इंटू आपका 10 यानी कि 35,000 की एंट्री यहां चला गया और 3500 इंटू आपका जो 50 होगा यानी कि 175 वो आपका यहां पे चला गया, एंट्री कंप्लीट हो गई कंप्लीट एंट्री। अरे एंट्री कंप्लीट हो गई मेरे बच्चे, आप सुन लो मेरी बात ना, मैंने क्या बताया। तो आपकी मर्जी, या तो आप क्या करो जी, बोलो कि भैया लायबिलिटी पूरा जितना था वही खत्म करेंगे, पैसा लेंगे शेयर्स देंगे, या पहले क्या करो जी पैसा लेके वो ईसॉप का अकाउंट को बढ़ा दो और फिर पूरे ईसॉप को हटा के कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। मेथड है, दोनों में से कोई भी करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर एग्जाम में दोनों करके आ जाओ तो क्यों करोगे बदमाश? अरे दोनों क्यों करोगे, एक ही काम करने के दो तरीके हैं, एक ही से करना, कोई भी एक तरीके से जो आपको अच्छा लग जाए, जो अच्छा लग जाए। सर ठीक है सर, सर और भी कुछ क्वेश्चन करा दो ना सर, हमें बहुत मन कर रहा सर अच्छे क्वेश्चन करने के। आज तो आप बस बोर कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो और कहते हो कि हम बहुत टफ। अरे इस चैप्टर में कुछ टफ है ही नहीं, इस चैप्टर में पता नहीं कौन सी खास बात है, इस चैप्टर में कुछ टफ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा समझना होता है। लो मैं इसको हटाता हूं, आप जब कहते हो तो आओ जरा एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं आज की क्लास में क्या निकल के आता है। तो जरा आओ जरा आप देखो मेरे साथ बुकलेट का यहां पे क्वेश्चन नंबर 3। सर 2 नहीं कराओगे? कराऊंगा बच्चे, वो भी कराऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए और जरा सुनो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे लिखिए मेरे साथ, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3। सुनो क्या बोल रहा है। कहता है कि एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 15,000 ईसॉप टू इट्स एम्प्लॉयज, 15,000 कब जी? 1 अप्रैल 2001 को, जो एक्सरसाइजेबल है मेरे बच्चे 31 मार्च 2004 को, यानी कि 3 साल के बाद। डायग्राम शुरू कीजिए, बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं करूंगा। ये आपका 1 अप्रैल 2001, ये आज का डेट है जब हमने ईसॉप अनाउंस किया। जरा बताओ ईसॉप कितना अनाउंस किया हमने? सर 15,000। 3 ईयर्स के बाद, दिस इज 31 मार्च 2004, यहां मेरे बच्चे एक्सरसाइजेबल आपका है। कहता है जरा बताओ कौन कौन से ईयर आ गए? तो एक आ गया 1 अप्रैल 2002, फिर सेकेंड ईयर खत्म होगा आपका यहाँ पे, सॉरी 31 मार्च कर देता हूँ, 31 मार्च 2002, यहाँ पे 31 मार्च 2003 और ये हो गया 31 मार्च 2004, थर्ड ईयर आपका यहाँ पे। वो कहता आगे में कि 1 जनवरी 2002 को कहाँ आएगा? यहाँ कहीं 1 जनवरी 2002 को कहता है कि आपने 1000 ऑप्शंस को विड्रॉ कर लिया। क्यों जी? क्योंकि एम्प्लॉय रिटायर कर चुके होंगे, सॉरी आपका भाग गए होंगे जी काम छोड़ के। ठीक है आगे बढ़ना, 31 मार्च 2003 मेरे बच्चे यहां कहता ठीक यहीं पे आपने 8000 जो ऑप्शंस हैं उसको भी क्या किया? विड्रॉ कर दिया ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन कहता है कि एम्प्लॉय ने यहां पे अवेल कर लिया। जरा बताओ रेस्ट यानी कि रिमेनिंग कितना बच गया आपका? रिमेनिंग कितना बच गया जी? अगर 15 में 9 चला गया तो मेरे बच्चे 6000 जो ऑप्शन है यहां पे एक्सरसाइज कर लिया गया आपका। कहता है कि मार्केट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2001, यहां पे कहता है कि जो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है वो 40 रुपीज है, और मजे की बात है कि कहता है कि यही उसका फेस वैल्यू भी है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। देखो ना आगे कैसे कंफ्यूज कर रहा है वो, मार्केट प्राइस कहता है कि 31 मार्च 2004 को, यहां कहता है कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो रुपीज आपका 80 है। अरे ये कोई काम का है क्या? क्या ये कोई काम का है क्या? नहीं सर नहीं, ये कोई काम का नहीं है, तो फिर मैं क्यों लिखूं? अरे लॉस को निकालने के लिए आज का प्राइस जो होता है वो रेलिवेंट होता है, बाद में प्राइस क्या हुआ कोई काम का नहीं। बोलता भैया आप एंट्रीज करो, आप इसमें एंट्रीज कैसे करोगे? आओ ना करते हैं एंट्रीज, आओ ना, क्यों ना कर ले हम एंट्रीज, क्यों ना कर ले। और कौन सी बड़ी बात है क्वेश्चन में? अरे यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस नहीं बता रहा, यानी कि जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है जरा बताओ वो कितना आपका हो गया? सर जीरो हो गया, सर जीरो हो गया। तो अगर ये जीरो आपका है तो बताओ लॉस जो आपको होने वाला है पर शेयर वो कितना मेरे बच्चे? सर लॉस जो यहाँ पे होने वाला है 40 माइनस 0 यानी कि 40 रुपीज का अमाउंट, सर 40 रुपए। ठीक है एंट्री शुरू किया जाए? सर करो ना, करो ना। और सर हम आपसे पहले इस बार करके दिखाएंगे, अच्छा होगा सच्ची में।
आप देखो 1st अप्रैल 2001 को वी डू नॉट पास एनी एंट्री, तो यहाँ पे नो एंट्री, या तो एग्जाम में लिखो ही ना या लिखा तो नो एंट्री कर देना, यहाँ कोई एंट्री होता नहीं। हम सीधे कहाँ आ गए, 31st मार्च 2002 को। यहाँ मेरे बच्चे आप बताओ यहाँ पे क्या एंट्री बनेगा, तो सर इम्प्लॉयज लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, इम्प्लॉयज कंपनसेशन, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आपने कहा इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, है ना बच्चों? सर हाँ। अच्छा वो कितने से रिकॉग्नाइज होगा, मैं यहां देखूं, ये मेरा वर्किंग नोट्स नंबर अगर वन था तो लिखो जरा यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर टू, कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईच ईयर, हर एक साल कितना कितना अमाउंट होगा हम उसको निकाले, जरा बताओ फॉर्मूला क्या बताया था। सर आपने कहा था टोटल, साथ साथ लिखना है, लिखना बच्चे, अगर लगता है कि आपको आता है तो नहीं आता, लिखना आपको यहां पे टोटल जो आपका एग्जिस्टिंग ऑप्शंस आज रहा होगा, ऑप्शंस ये लिया जाएगा इनटू आपका लॉस पर शेयर जो आपको होने वाला है, लॉस पर शेयर जो आपको होने वाला है डिवाइडेड बाय, जरा बताओ हम क्या करेंगे सर, डिवाइड होगा टोटल वेस्टिंग पीरियड, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड हम यहां लेंगे, और मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप सर, लेफ्ट, लेफ्ट वेस्टिंग पीरियड, जितने समय लेफ्ट हो चुके हैं हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप इसमें से माइनस कर देंगे लॉसेज या सॉरी एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज ऑलरेडी, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब पहले के सालों में जितना हम दिखा चुके हैं उसको माइनस करके अमाउंट, ठीक है ना। तो आज ना हम बात कर रहे हैं अभी आपका 31st मार्च 2002 का, देखो ना अब बताओ आज हमारे पास ऑप्शंस कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 15-1 यानी कि 14, यहां लिखा हमने 14,000, बताओ लॉस पर शेयर कितने का आपका हो रहा है सर 40, बोलोगे जरा कि टोटल वेस्टिंग पीरियड आपका कितना है सर 3 ईयर्स, करो ना डिवाइड। अच्छा बताओ इस समय तक कितने साल खत्म हो चुके हैं सर, 1 साल खत्म हो चुका है इनटू 1 आपका, इसमें से माइनस करो एक्सपेंसेज ऑलरेडी, सर कहां, सर कहां, अभी कुछ है ही नहीं, पहला ही साल है सर, पहला ही साल है, तो बताओ ना जरा, बताओ ना कि आपका लॉस कितना दिखाया जाएगा, 14,000 × 40 डिवाइड बाई आपका 3, तो बच्चे अमाउंट आ गया 1,86,667 का अमाउंट, 14,000 इंटू आपका 40 डिवाइड बाई कितना था जी 3, ये आ गया बच्चे, ठीक है ये अमाउंट। आप जल्दी से एक काम करो यहाँ रिकॉर्ड करो 1,86,667 का अमाउंट, 1,86,667 का अमाउंट, सुनो मेरी बात, अरे 31st मार्च 2002 को आपने क्या करना है, तो सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये सारे एक्सपेंसेस बुक करने हैं, तो टू आप लिखो यहां पे इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज कंपनसेशन, इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, मुझे मुझे जरा बताओ ये एंट्री कितने से आपका हो रहा है, 1,86,667 से, 1,86,667 से एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। लो हमने यहां तक ही एंट्री कंप्लीट कर दिया मेरे बच्चे, अब मैं फिर आगे चलता हूं, फिर आगे चलता हूं, ध्यान देना फिर समय आगे चला, चलते चलते साल का एंड आ गया, लीजिए 31st मार्च 2003 को आपने लिखो एक्सपेंस इंप्लॉयज कंपनसेशन, इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंसेज अकाउंट आप यहां पे डेबिट करेंगे, एंड टू आप लिखो यहां पे इंप्लॉयज, टू इंप्लॉयज स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, लेकिन ये अमाउंट कितना होगा वो हमेशा हम यहां से पता करेंगे मेरे बच्चे, लीजिए 31st मार्च 2003, ध्यान से बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप नहीं होना, अरे जरा बताओ यहां एग्जिस्टिंग कितना था 14, 14 में साल आते आते 8,000 कैंसिल हो गया,
तो सर कैंसिल तो आज हो रहा, कोई बात नहीं, जो आज भी हो गया उसको भी हटा के बताओ कि आज जब हमारा कैंसिल्ड हो गया 14 माइनस 8 तो कितना बज गया यहाँ पे 6000। जो कैंसिल्ड हो गया उसको हटाओ, जो बच गया हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे बात करेंगे चाहे वो लास्ट दिन पे क्यों ना हो। सुनो बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो अब क्या होने वाला है। आप मुझे बताइए कि कितने एग्जिस्टिंग हमारे पास हैं जी? सर 6000। अच्छा बताओ पर शेयर आपको लॉस कितने का हो रहा है? सर 40। आप बताओ ये लॉस कितने साल में राइट ऑफ करना था? 3 ईयर्स में। अच्छा कितने साल गुजर गए? सर 2 ईयर्स। ये रहा आपका अमाउंट, आपका 2 ईयर्स। जरा बताओ इसमें से आप पिछले साल तक खर्च कितना दिखा चुके हो? 186,667। और ठहर जाओ, इतना लिख कर दिमाग बिल्कुल शांत कर लो, मेरी बातें सुन लो मैं क्या बताने वाला हूं। इतना लिख कर मेरी बातें सुन लो मैं क्या बताने वाला हूं। यहां देखो, यहां देखो क्या होने वाला है, यहां देखो। पर बच्चे एक बात बताओ जरा, ये अमाउंट देखना कितना निकल के आ रहा है। तो 6000 आपका 40 डिवाइडेड बाई 3 × 2। अरे ये क्या, अरे ये क्या, जो ऑप्शन लेफ्ट हो गया इसके बाद जो 2 ईयर्स में एक्सपेंसेज मैं दिखा सकता हूं मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 का अमाउंट है। देख रहे हो आप यहां पे, देख रहे हो? अरे जो 2 साल में, क्योंकि अब 6000 ही तो ऑप्शन बचे हैं, इन 6000 पे तो खर्चे दिखा सकता हूं, इन 6000 पे जो मैं खर्चे दिखा सकता हूं 2 साल में, वो सिर्फ 160 का अमाउंट है। और ये क्या, 160 के जगह हम पिछले साल ही 186,667 का खर्च दिखा चुके हैं बच्चे, ज्यादा खर्च दिखा चुके हैं, ज्यादा खर्च है। अब मैं क्या करूं, बोलो ना क्या करूं? सर सर कौन सी बड़ी बात है, अगर ज्यादा खर्च दिखा चुके हो सर, तो इस बार खर्च दिखाया नहीं जाएगा सर, आपको क्या करना होगा, खर्च को रिवर्स कर देना होगा, आपको रिवर्स कर देना होगा। सर कैसे करें रिवर्स, मैं आपको बताता हूं, सिंपल एंट्री। जरा बताओ एक्सपेंसेस जो आपने पिछले साल तक चार्ज किए थे, वो एक्सपेंसेस आपने चार्ज करके कहां रखे? ये देखो आप, ये आपका डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो कहां दिखाता हूं इसमें ना बच्चे, आप क्या करना, आप क्या करना, यहां पे ये जो आपका इंप्लॉइज, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जो आपने ज्यादा अमाउंट चार्ज किया है वो वहां से निकाल दो, और निकाल कर उसको आप क्या करो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जो आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए वो आप वहां से निकाल कर आप उसे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दो। जरा सुनना, क्योंकि पैसा आपका इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, हमने वहां से पैसा निकाल कर दोबारा प्रॉफिट लॉस में रिवर्स कर दिया। जो पैसा हमने प्रॉफिट से निकाला था हम प्रॉफिट में ही जाकर रिवर्स कर देंगे। तो बताओ जरा वो अमाउंट कितना आपका निकल के आ गया? सर 186,667 में 160, यानी कि 26,667 मेरे बच्चे, 26,667 का यहां पर रिवर्सल होगा। आप लिख देना इसका नरेशन है, बीइंग एक्सेस अमाउंट ऑलरेडी चार्ज जो हमने अभी तक चार्ज कर दिया था, चार्ज रिवर्स्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हमने रिवर्स कर दिया इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर कुछ कम होता तब तो मैं यहां पे करता, हमने ज्यादा खर्चे दिखा दिए बच्चे, ज्यादा खर्चे पहले से दिखा दिए, तो ठीक है हम अब कोई एक्सपेंस का नाम तो यूज करेंगे नहीं, कोई एक्सपेंस तो हो नहीं रहा है। तो जिस अकाउंट में पैसे आपने जमा करके रखे हैं उस अकाउंट को मैं क्या करूंगा जी, कम कर दूंगा और प्रॉफिट लॉस में ला के इसको रिवर्स कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे? सर हाँ अब समझ में आया आपने क्वेश्चन क्यों कराया। इसके बाद 31 मार्च 2004 आया, साल का एंड, फिर से मैं क्या करूंगा कि इंप्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। सर फिर से क्यों एंट्री करोगे, गलती हो गया तो फिर क्या, फिर से काटोगे? लिखो तो पहले आप टू इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आपका, लिखिए यहां पे। अरे हमने जो पहले से आपका जो अकाउंट ओपन करके रखा था, हमने क्या ध्यान देना अब इस पर कितना निकल के आएगा। पर बच्चे ये अमाउंट कितना आ गया था जी, मैं लिख दूं यहां पे, भूल गया, 26,667। और हाँ ये आपका ब्रैकेट में था, रिवर्स किया था हमने। अब आ गया 31 मार्च 2004, बताओ यहां पे एग्जिस्टिंग कितने है? सर 6000। पर शेयर लॉस इंटू 40 डिवाइड बाई 3, कितने साल गुजर गए? 3। अच्छा बताओ पिछले 2 सालों में खर्च आप कितना दिखा चुके हो? सर ये माइनस ये, यानी कि 1,60,000।
160 है ना बच्चे, ये दोनों मिला के 160 हो चुका नेट, तो बताओ कितना निकल के आया, जरा बताओ कितना निकल के आया आपको यहाँ पे अमाउंट। तो सर ये अमाउंट जो अब आ गया 6000 × 40 माइनस आपका 160, सर ये अमाउंट जो आ गया आपका 80,000 का अमाउंट, ये 80,000, ये इस पर आपका 80 एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ। जल्दी से रिकॉर्ड कर लो 80,000, हमने ये काम पूरा किया। और बच्चे जल्दी से 31 मार्च 2004 को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट आप यहां रिकॉर्ड कीजिए, और ये आपका कितना जी 80,000 चला गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में? और क्योंकि आज अंतिम दिन है, आज हमें शेयर्स भी तो देने हैं, और बच्चे हमने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, हमने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, तो आप एक काम करो, इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, बताओ उसमें कितने कितने हैं। सर 6000 शेयर्स पे पर शेयर हमने लॉस कितना दिखाया हुआ है सर 40, यानी कि मेरे बच्चे यहां पे 2,40,000 का अमाउंट है, इसको आओ शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ शेयर्स में जो कन्वर्ट होगा, जरा बताओ शेयर्स में जो कन्वर्ट होगा उस शेयर का फेस वैल्यू क्या है? अरे यहां कहा कि जो मार्केट वैल्यू है वही फेस वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू वही फेस वैल्यू मेरे बच्चे, यानी कि आपका यहां पे 6000 × 40 पूरा का पूरा फेस वैल्यू वो यहां चला गया, कोई प्रीमियम का नाम यहां पे नहीं आया, कोई प्रीमियम का नाम नहीं आया। आप समझ रहे हो मेरी बात ना? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना सर? हाँ सर, हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। आपने सिर्फ इतना ही समझाया कि अगर खर्चे ज्यादा पहले बुक हो चुके हैं तो आप उसको प्रॉफिट लॉस में रिवर्स करके अगले साल में उसको एडजस्ट कर लेना, और बाकी बातें वैसे ही चलती चली जाएंगी। मेरे बच्चे आज हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे, आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस थोड़ा सा समझा दिया, एक अच्छा सा जो हमारा फॉर्मूला आपका जो लगे, और ये फॉर्मूला कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो कॉन्सेप्ट छोटा मोटा जो हमें समझना है और कुछ इसमें है नहीं। आज हम क्लास यहीं रोकते हैं, जब अगली क्लास में आपसे मिलूंगा हम और टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन विश्वास दिलाता हूं जितने टिपिकल क्वेश्चन आपके पास आएंगे आपको उतना मजा आएगा, आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा एंड टाटा, थैंक यू बच्चों।